हाँ जी बच्चा पार्टी, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। क्या हाल चाल सारे नु, प्यार भरी सत श्री अकाल। कौन बनेगा प्रोफेशनल में, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने मार्जिनल कॉस्टिंग के पांच कॉन्सेप्चुअल टूल्स के ऊपर डिस्कशन की थी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, उसके अंदर किसी कॉन्सेप्ट में कोई डाउट? किसी कॉन्सेप्ट में डाउट, किसी एग्जांपल में डाउट, और फिर किसी क्वेश्चन में डाउट? देखो बच्चों, यहां पर लिखा हुआ रहा है, इंटेलिजेंस कैन फेल बट हार्ड वर्क कैन नेवर। तो ये बच्चों आप लोगों का जीने का नजरिया होना चाहिए कि हम इंटेलिजेंट बने या ना बने, लेकिन बच्चों हम हर हालत में हार्ड वर्कर बने। और जितनी ज्यादा आप हार्ड वर्किंग करेंगे, उतना ज्यादा आपका टारगेट अचीवेबल हो जाएगा, उतनी जल्दी अचीवेबल हो जाएगा, उतना अच्छी तरह से अचीवेबल हो जाएगा। हाँ जी बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल किसी एग्जाम्पल या क्वेश्चन में कोई डाउट? जल्दी जल्दी जवाब दिया करो यार, अच्छा लगता है। सृष्टि एंड कंपनी, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, सिमर बाबा, सिमर की तबीयत ठीक हो गई? क्वेश्चन नंबर 58 ऑन पब्लिक डिमांड आ रहा है बच्चों आप लोगों की मोबाइल स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 58, और एक जवाब एक और मांगा गया है, क्वेश्चन नंबर 5। कोई बात नहीं बच्चों, क्वेश्चन नंबर पहले 58 देखते हैं, फिर क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 58 बच्चों 2-3 बार पेपर में आ चुका है, आओ पढ़े क्या लिखता है। कहते हैं, फार्मास्यूटिकल कंपनी प्रोड्यूसेस फॉर्मुलेशंस हैविंग अ शेल्फ लाइफ ऑफ 1 ईयर। एक साल की बच्चों इसकी लाइफ है, इसका मतलब ये ऑब्सोलीट हो जाएगा, इसीलिए इसमें फीफो लगना चाहिए कि पहले पुराना सामान बेचूंगा फिर नया बेचूंगा। द कंपनी हैज एन ओपनिंग स्टॉक ऑफ 30,000 बॉक्सेस ऑन 1st of January 2005। 30,000 बॉक्स इनके पास पहले से पड़े थे, एंड एक्सपेक्टेड टू प्रोड्यूस 30,000 बॉक्सेस एज वॉज इन द जस्ट एंडेड ईयर ऑफ 2004। कहते हैं, इस साल हम 1,30,000 बॉक्स बनाएंगे। पिछले साल भी इन्होंने 1,30,000 बॉक्सेस बनाए थे, और इस बार भी 1,30,000 बॉक्सेस बनाने वाले हैं। एक्सपेक्टेड सेल वुड बी 1,50,000 यूनिट्स, और 2005 के अंदर 1,50,000 बॉक्स बिकने की संभावना है। कॉस्ट डिपार्टमेंट हैज वर्कड आउट एस्केलेशन इन कॉस्ट बाय 25% ऑन वेरिएबल कॉस्ट एंड 10% ऑन फिक्स्ड कॉस्ट। भावार्थ, कहते हैं बच्चों, वेरिएबल कॉस्ट 25% बढ़ने वाली है, और फिक्स्ड कॉस्ट भी 10% बढ़ने वाली है। फिक्स्ड कॉस्ट फॉर द ईयर 2004 इज ₹40 पर यूनिट। फिक्स्ड कॉस्ट का बर्डन बच्चों पिछले साल ₹40 था। आप खुद सोचो, पिछले साल ₹40 था, 1,30,000 यूनिट्स आपने बनाई थी, तो आपकी पिछले साल की फिक्स्ड कॉस्ट ओवरऑल क्या थी? 52 लैक्स। कितनी थी? 52 लैक्स, जो इस बार बच्चों 10% बढ़कर 57,20,000 हो जाएगी। फिर कहता है, न्यू प्राइस अनाउंस्ड फॉर 2005 इज ₹100 पर बॉक्स सेलिंग प्राइस। इस साल ₹100 के हिसाब से बॉक्स बेचने की इन्होंने अनाउंसमेंट कर दी है। वेरिएबल कॉस्ट ऑन ओपनिंग स्टॉक इज 40 पर बॉक्स। पुराना स्टॉक ₹40 की वेरिएबल कॉस्ट लगवा रहा था, इस बार ये ₹40 की जगह 25% ज्यादा ₹50 लगवाएगा। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट ब्रेक इवन वॉल्यूम फॉर द ईयर 2005। वॉल्यूम वर्ड यूज हो रहा है, तो बच्चों वॉल्यूम जनरली क्वांटिटी के लिए यूज किया जाता है। अब किस तरह से हम इसको प्रेजेंट करेंगे और समझेंगे, यहां पर पहली बात आपको बताई गई थी बच्चों, ब्रेक इवन पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जहां पर कभी कोई प्रॉफिट या लॉस नहीं होता,
जहां पर प्रॉफिट या लॉस नहीं होता। लेकिन आप खुद सोचो, पुराना सामान 40 रुपए की वेरिएबल कॉस्ट वाला था, वो भी 100 रुपए के हिसाब से बिकेगा। नया सामान 50 रुपए की वेरिएबल कॉस्ट वाला है, वो भी 100 रुपए के हिसाब से बिकेगा। एक पे आपको 60 रुपए का कंट्रीब्यूशन मिलता था, एक पे आपको 50 रुपए का कंट्रीब्यूशन मिलेगा। और हमें पता है ब्रेक इवन पॉइंट इज दैट पॉइंट वेयर टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू, वेयर फिक्स्ड कॉस्ट इक्वलाइज द कंट्रीब्यूशन। तो बच्चों, मैं यहां पर एक्सपेक्टेड फिक्स्ड कॉस्ट के बेस पर अपना कंट्रीब्यूशन चेक करूंगा कि किस क्वांटिटी पर मेरी फिक्स्ड कॉस्ट मेरे कंट्रीब्यूशन के बराबर हो जाएगी, राइट? तो इसके लिए बच्चों पहले हम एक छोटी सी इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे, क्योंकि हमने पढ़ा है कि हमें हर बार क्वेश्चन की शुरुआत में एक इनकम स्टेटमेंट बनाने की कोशिश करनी चाहिए। और बच्चों, जब हम कोशिश करते हैं तो ऊपर वाला कामयाबी तो देगा ही देगा। तो हम क्या लिखेंगे यहां पर क्वेश्चन नंबर 58। ओपनिंग स्टॉक, करंट परचेज, ओपनिंग स्टॉक और करंट परचेज के बारे में अगर बात की जाए तो बच्चों हमारा सेलिंग प्राइस दोनों जगह पर 100 रुपए है। हाँ जी, क्या आज हर्ष का ज्वाइन हुआ यहां पर या नहीं? वेरिएबल कॉस्ट पहले 40 था, अब 50 होने वाला है, यानी कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। पहले 60 था, अब 50 है। हाँ जी हर्ष, हैव यू ज्वाइन द सेशन? मेरे लाल रिस्पॉन्स तो दे दे। पिछले साल 130,000 यूनिट से डिवाइड करके 40 रुपए की फिक्स कॉस्ट आई थी। फिक्स कॉस्ट क्या थी बच्चों पिछले साल? पिछले साल तो बच्चों फिक्स कॉस्ट भी 40 थी और वेरिएबल कॉस्ट भी 40 ही थी। इस साल फिक्स कॉस्ट ओवरऑल बढ़ रही है। तो बच्चों पिछले साल ओवरऑल फिक्स कॉस्ट 52 लाख थी। और 2005 में क्या होने वाली है? इसमें बच्चों लास्ट में ना हम एक नोट लिख देंगे कि क्योंकि इस प्रोडक्ट की शेल्फ लाइफ एक साल है, तो इट इज बेटर टू सेल फर्स्टली द ओपनिंग स्टॉक देन टू सेल फ्रॉम द करंट परचेज। तो फॉर ब्रेक इवन पॉइंट दो चीजें हमने पढ़ी हैं, इधर टीसी इज इक्वल टू टीआर और फिक्स्ड कॉस्ट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन। अब यहां पर बच्चों मैं क्वांटिटी तो ढूंढ रहा हूं, तो इट इज बेटर टू अप्लाई दिस ऑल्टरनेटिव, राइट? इट इज बेटर टू अप्लाई दिस ऑल्टरनेटिव, दैट इज फिक्स्ड कॉस्ट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन। तो इसके लिए क्या करें? नाउ एक्सपेक्टेड कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द सेल ऑफ ओपनिंग स्टॉक, क्वेश्चन बच्चों कितना स्मार्ट है, इसने डायरेक्टली नहीं बोला कि आप फीफो लगाओ, लेकिन इनडायरेक्टली हमें हिंट दे दिया कि भैया पुराने सामान की लाइफ जो है वो एक साल है, और वो पुराना सामान पिछले साल से पड़ा होगा, तो पता नहीं कितने टाइम से पहले से पड़ा हुआ है।
तो इसीलिए उसको पहले बेचने की कोशिश करें। तो एक्सपेक्टेड कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम द सेल ऑफ ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक बच्चों हमारे पास कितनी क्वांटिटी पड़ी थी, 30,000 बॉक्सेस, और इन 30,000 बॉक्सेस पर आपको 60 रुपए के हिसाब से 18 लाख रुपए का कंट्रीब्यूशन मिल जाएगा। अगर 18 लाख रुपए का कंट्रीब्यूशन मेरी क्लास पॉज हो जाती है बीच बीच में, अच्छा बेटे क्लास पॉज हो रही है, तो उसका तरीका तो यही है कि आप अगर ब्रॉडबैंड लगा हुआ है तो उसके बिल्कुल साथ बैठे और अपने मोबाइल को वर्टिकल पोजीशन में रखें, हॉरिजॉन्टल की बजाय। और अगर आप लैपटॉप पे क्लास देख रहे हैं फिर तो बेटर है उल्टा। यार कई बार ना किसी स्पेसिफिक एरिया में जियो बहुत अच्छा चलता है, कई जगह पर वोडाफोन अच्छा चलता है, कई जगह पर एयरटेल अच्छा चलता है, तो इस वजह से ना कई बार होती है प्रॉब्लम। क्योंकि मेरे यहाँ से अगर जरा सी भी डिस्टर्बेंस होगी ना तो मेरा तो ये सिस्टम मुझे उसी टाइम रिपोर्ट करता है, और जैसे ये रिपोर्ट करता है उसके बाद मैं कोशिश करता हूँ क्लास को थोड़ी देर के लिए विश्राम दे दूँ। लेकिन हर्ष चिंता मत कर मेरे लाल, मेरी क्लास ये रिकॉर्ड भी हो रही है, ठीक है ना, क्लास के बाद तुझे मेल कर दूंगा, डरना मत मैं तेरे साथ हूं। तो 30,000 को 60 रुपए से मल्टीप्लाई कर दो तो बच्चों 18 लाख रुपए का कंट्रीब्यूशन मिल जाएगा। बट टोटल फिक्स्ड कॉस्ट टू बी रिकवर्ड, टोटल फिक्स कॉस्ट टू बी रिकवर्ड इज इक्वल टू 57,20,000। देयरफॉर बैलेंस टू बी रिकवर्ड 57,20,000 अगर 57,20,000 में से, और दूसरा बच्चों जिस ऐप का हम लोगों ने लास्ट सैटरडे इनफैक्ट डेमो लिया था, तो बच्चों वो डेमो वाला पोर्शन पार्ट भी अब इंप्लीमेंट होने जा रहा है ट्यूसडे ऑनवर्ड्स। तो ट्यूसडे से आपको उसी वाले ऐप में क्लास मिलेगी, और वो क्लास तो वहीं पर साइमल्टेनियसली रिकॉर्ड हो जाएगी उसी ऐप के अंदर, और आप आराम से उसको देख पाएंगे। मतलब मुझे आपको भेजने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो वहीं पर ही सेव हो जाएगी जाकर। आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट, लेकिन फिर भी मेरे कुछ कंस्ट्रेंट्स हैं, कुछ बच्चे हैं नालायक फीस ही नहीं देते, वरना मैं तो पता नहीं एक ऐसा ऐप बता देता कि चलो खैर कोई नहीं, अपना इस वक्त क्या कहूं किसी को। तो बैलेंस टू बी रिकवर्ड फ्रॉम द सेल ऑफ करंट परचेज इज 57,20,000 माइनस 18 लाख। इन बच्चों को पता है बार बार रिमाइंडर भेजना पड़ता है, लेकिन फिर भी ये लोग ऐसे जिद्दी लोग हैं कि यार सर को भाई साहब परेशान करो। 39,20,000 इज द बैलेंस अमाउंट टू बी रिकवर्ड। अब इसको रिकवर करने के लिए बच्चों हमें कॉन्ट्रीब्यूशन मिलेगा 50 रुपए की हेल्प से, तो मुझे कितनी एडिशनल क्वांटिटी बेचनी पड़ेगी। देयर फोर क्वांटिटी टू बी सोल्ड आउट ऑफ करंट परचेज क्वांटिटी टू बी सोल्ड आउट ऑफ करंट परचेज क्वांटिटी टू बी सोल्ड आउट ऑफ
करंट परचेज टू अचीव द ब्रेक इवन पॉइंट. ये 39,20,000 रुपीज जब बच्चों 50 रुपए से डिवाइड होगा तो आप बताओ क्या होगा. 39,20,000 डिवाइडेड बाय 50 एंड द एडिशनल क्वांटिटी टू बी सोल्ड अपार्ट फ्रॉम ओपनिंग स्टॉक इज 78,400. तो बच्चों 30,000 आपको ओपनिंग स्टॉक बेचना होगा, 78,400 नया बेचना होगा, तो टोटल आपको 1,08,400 क्वांटिटी बेचनी होगी, राइट. तो इसकी प्रेजेंटेशन बच्चों थोड़ी सी डिफरेंट है, वरना तो हम लोग सीधा सीधा फॉर्मूला लगा देते थे और हमें गुड मिल जाता था, लेकिन अब बच्चों गुड लेने के लिए कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने पड़ रहे हैं यहां पर. तो लास्ट में क्या लिखेंगे, देयरफोर टोटल क्वांटिटी टू बी सोल्ड इज इक्वल टू 30,000 पुराना. हाँ, मार्जिनल और एब्जॉर्प्शन का डिफरेंस भी देखेंगे बच्चों, चिंता मत करो मैं आपके साथ हूं. तो लास्ट में बच्चों इंग्लिश लिख दो, 10 टोटल क्वांटिटी टू बी सोल्ड फॉर ब्रेक इवन. तीस हजार का ओपनिंग स्टॉक, 7,400 का करंट परचेज, टोटल 1,08,400 यूनिट्स. अच्छा एक बात मैं और बताऊं, अगर इस क्वेश्चन के अंदर डिजायर्ड प्रॉफिट भी डाल दिया जाए तो बच्चों सेकेंड ऑल्टरनेटिव जो है ना, ये जो सेकेंड रिमेनिंग बैलेंस टू बी कवर्ड की बात हो रही है, इसी के अंदर वो डिजायर्ड प्रॉफिट जोड़ देना, क्योंकि 39,20,000 इज द रिमेनिंग बैलेंस ऑफ फिक्स कॉस्ट, इसी के अंदर अपना डिजायर्ड प्रॉफिट और ऐड कर दो. मान लो वो कह देता है कि 10,00,000 रुपए का प्रॉफिट कमाना चाहता हूं, तो ठीक है 39,20,000 के साथ 10,00,000 का प्रॉफिट और जोड़ दो, ये 49,20,000 हो जाएगा, और 49,20,000 को 50 से डिवाइड कर दो. ठीक है, तो मैं इसी के अंदर बच्चों एक और पॉइंट कवर कर रहा हूं, किसी को बताना मत. इफ डिजायर्ड प्रॉफिट इज ₹10,00,000, देन क्वांटिटी टू बी सोल्ड आउट ऑफ करंट परचेज जो 39,20,000 की फिक्स्ड कॉस्ट हम रिकवर करना चाहते थे, उसके साथ बच्चों 10,00,000 की क्वांटिटी और जोड़कर ₹50 ऐड कर दो, तो इससे क्या होगा, जो 78,400 आ रहा था ना, उसके साथ बच्चों 20,000 यूनिट्स और बढ़ जाएंगी, तो ये हो जाएगी 98,400 यूनिट्स. ठीक है, और टोटल क्वांटिटी आपकी हो जाएगी 30,000 पुरानी और 98,400 ये वाली. हे धनंजय वत्स, आंसर को मत देख, आंसर देखेगा तो गुमराह हो जाएगा. जहां तक मुझे याद है मैंने क्लास के अंदर इसका आंसर चेंज करवा दिया था, इसमें 1,08,000 लिखा हुआ है, 1,08,400 आंसर है. अब आप क्लास के अंदर थे या नहीं थे ये तो आप बताएंगे. तो देयरफोर टोटल क्वांटिटी टू बी सोल्ड
30,000 पुराना, 98,400 नया, टोटल 1,28,400 यूनिट्स या बॉक्सेस। हाँ जी बच्चों, एनी डाउट? अब पब्लिक डिमांड पर आ रहा है क्वेश्चन नंबर 5। ये क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों सीए फाइनल के अंदर आया हुआ है और इसको मैंने कॉस्ट शीट के टाइम पर भी करवाया हुआ है, लेकिन यहां पर मैं मार्जिनल कॉस्टिंग के थ्रू करवाऊंगा, वहां पर मैंने कॉस्ट शीट के थ्रू करवाया हुआ है। आओ बस क्वेश्चन नंबर 5 का आनंद लूं। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखता है बच्चों, तो कॉस्ट प्रोफाइल ऑफ अ कंपनी मैन्युफैक्चरिंग ओनली वन प्रोडक्ट इज एज अंडर। ओनली वन प्रोडक्ट यानी सिंगल प्रोडक्ट कंपनी, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड्स। ये तीनों बच्चों वेरिएबल कॉस्ट 7.5 रुपए बता रहे हैं, और आपको पता है बच्चों मटेरियल और लेबर तो होती ही वेरिएबल है, और वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड्स लिखा हुआ है। फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड इज बस्टेड एट ₹3,30,000 फॉर एन एनुअल सेल ऑफ 4 लाख यूनिट्स। अगर हम 4 लाख यूनिट्स बेचना चाहते हैं तो बच्चों फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड्स का बर्डन 3,30,000 होगा। सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट आर बस्टेड एट ₹1,80,000। ये भी बच्चों ओवरऑल दी हुई है, और ओवरऑल का मतलब होता है ये भी फिक्स्ड है। फिर कहता है कैपिटल एम्प्लॉयड इज 4,50,000 फिक्स्ड एसेट्स एंड 50% ऑफ सेल्स इन करंट एसेट्स। हम 4.5 लाख रुपए फिक्स्ड एसेट्स में इन्वेस्ट करके बैठे हैं, और साथ ही साथ करंट एसेट्स में हम 50% ऑफ सेल्स ब्लॉक करने जा रहे हैं। तो बच्चों जो कुछ भी आप कैपिटल एम्प्लॉयड में लगाएंगे उसके ऊपर आप क्या चाहते हैं, क्वेश्चन बता रहा है। डिटरमिन अ सेलिंग प्राइस फॉर द प्रोडक्ट टू यील्ड ए 20% रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। आपको कैपिटल एम्प्लॉयड के ऊपर 20% की रिटर्न चाहिए। अब बच्चों मुझे यहां पर कैपिटल एम्प्लॉयड डायरेक्टली गिवन नहीं है, क्योंकि मुझे सेलिंग प्राइस ही नहीं पता। जब तक सेलिंग प्राइस नहीं पता मैं सेल्स कहां से निकालूंगा, और जब तक सेल्स नहीं पता करंट एसेट्स कहां से आएंगी। करंट एसेट्स के ऊपर बेस्ड है कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड के ऊपर डिपेंडेंट है रिक्वायर्ड रिटर्न यानी डिजायर्ड प्रॉफिट, और डिजायर्ड प्रॉफिट पर डिपेंडेंट है आपका सेलिंग प्राइस। आ जाओ बच्चों मैं पहले दिखाऊंगा एक छोटी सी डायग्राम। क्वेश्चन नंबर 5 पेज नंबर 12.32। सेलिंग प्राइस पर डिपेंडेंट है बच्चों सेल्स वैल्यू, सेल्स वैल्यू पर डिपेंडेंट है करंट एसेट्स, करंट एसेट्स पर डिपेंडेंट है कैपिटल एम्प्लॉयड, और कैपिटल एम्प्लॉयड पर डिपेंडेंट है डिजायर्ड प्रॉफिट, और डिजायर्ड प्रॉफिट पर डिपेंडेंट है सेलिंग प्राइस। लौट के बदू घर को आई। तो यहां पर बच्चों हमारा स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा, लेट द सेलिंग प्राइस टू बी फिक्स्ड बी एक्स, राइट, लेट द सेलिंग प्राइस टू बी फिक्स्ड बी एक्स। चलो बस शुरू करते हैं। अगर मैंने सेलिंग प्राइस को एक्स मान लिया तो टोटल एक्सपेक्टेड सेल हो जाएगी 4 लाख यूनिट्स की, 4 लाख एक्स, ठीक है। और इस सेल्स वैल्यू पर रिक्वायर्ड करंट एसेट्स, करंट एसेट्स इन्वेस्टमेंट्स, करंट एसेट्स इन्वेस्टमेंट है बच्चों 50% ऑफ सेल्स। अब 4 लाख एक्स का 50% होता है 2 लाख एक्स, आप लोगों ने बच्चों अकाउंट्स के अंदर कैपिटल एम्प्लॉयड दो तरह से पढ़ा है। एक पढ़ा है एसेट साइड अप्रोच, एसेट साइड अप्रोच में क्या होता था, फिक्स्ड एसेट्स प्लस नेटवर्किंग कैपिटल प्लस ट्रेड इन्वेस्टमेंट।
और liability side approach में होता था equity share capital plus preference share capital plus reserves and surplus minus miscellaneous expenditure. तो यहां पर बच्चों मैं लगा रहा हूं asset side approach, fixed assets plus working capital investment या current assets investments. अब एक अमाउंट तो बच्चों एब्सोल्यूट है और वो एब्सोल्यूट अमाउंट है 4.5 लाख और दूसरा अमाउंट है 2 लाख एक्स. अब बच्चों जोश के अंदर इन दोनों को जोड़ना नहीं है क्योंकि यहां पर एक्स नहीं है तो इनको जोड़ नहीं सकते, ऐसे का ऐसे लिखना पड़ेगा. और डिजायर्ड प्रॉफिट बच्चों इस कैपिटल एम्प्लॉयड के ऊपर कितना परसेंट है, डिजायर्ड प्रॉफिट है बच्चा पार्टी 20% ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड. यानी हम इस 4,50,000 के साथ जब 2 लाख एक्स जोड़ देंगे तो बच्चों ये बन जाएगा 90,000 प्लस 40,000 एक्स. ठीक है, 90,000 प्लस 40,000 एक्स. अब 90,000 प्लस 40,000 एक्स इज योर डिजायर्ड प्रॉफिट. अब आप अपना फॉर्मूला लगा दो रिक्वायर्ड सेल्स फॉर डिजायर्ड प्रॉफिट, तो उससे बच्चों आपको सेलिंग प्राइस मिलेगा. हाँ जी, यहां तक नोट हो गया तो चले आगे की ओर. एक बच्चों बहुत मशहूर गाना किसी महापुरुष ने लिखा, आप मुझे बताएं कि वो कौन से महापुरुष ने, कौन सी मूवी के अंदर ये गाना था, किस फिल्म एक्टर पर फिल्माया गया. मैंने कहा सेलिंग प्राइस की ओर जाना है तो एक गाना था तेरी ओर तेरी ओर तेरी ओर हाय रब्बा. तो आप मुझे ये बताएं ये कौन सी मूवी का गाना है. देखते हैं कभी अगर आप कौन बनेगा करोड़पति में पहुंच गए तो क्या आप वहां पर जवाब दे पाएंगे. कौन सी मूवी का गाना है, कौन सा एक्टर था इसके अंदर, देखते हैं. ओ भाई साहब, सबसे पहला जवाब नुपुर की तरफ से, उसके बाद निष्ठा, फिर हमारे सिंह इज किंग सिवर प्रीत अरोड़ा और अक्षय कुमार के ऊपर फिल्माया गया. साथ में बच्चों हीरोइन कौन थी, कृष्णा अरोड़ा ने भी सही जवाब भेज दिया. तो ये तो बच्चे बिल्कुल जाने लायक हैं. अच्छा, कैटरीना आंटी थी. ओके चलो बच्चों, बहुत अच्छी बात है कि आपको फिल्मों में भी थोड़ा सा इंटरेस्ट है. चलो जी, बहुत अच्छी बात है. मैं बीच बीच में बच्चों आप लोगों का टेस्ट लेता रहूंगा, मुझे पता चलता रहेगा कि आप कौन बनेगा करोड़पति में जाने लायक हैं या नहीं, कौन बनेगा चार्टर्ड अकाउंटेंट में. तो बच्चों आप लोग बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, आई एम प्राउड ऑफ यू. सर आंटी मत बोलो, बुरा मान जाएगी. अरे उसको बताना मत, ठीक है, और पता भी चल गया तो क्या हो गया. हाँ तो बच्चा पार्टी, अब इसके आगे चलो रिक्वायर्ड सेल्स फॉर डिजायर्ड प्रॉफिट की ओर. कंप्यूटर जी और आगे बढ़ते हैं. Required sales for desired profit is equal to expected fixed cost plus desired profit divided by expected contribution. Per unit. एक बच्चों फिक्स कॉस्ट है 3,30,000, दूसरी फिक्स कॉस्ट है 1,80,000,
और ये दोनों मिलकर हो जाता है 5,10,000। नो, क्योंकि बच्चों मैंने यहां पर एक्सपेक्टेड कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट लिखा है, तो बच्चों ये क्वांटिटी की बात करेगा और क्वांटिटी हमारे पास है 4,00,000 यूनिट्स। अगर मैं यहां पर पीवी रेशियो लेता, ठीक है, अगर मैं यहां पर पीवी रेशियो लेता तो क्या होता, वैल्यू की बात हो जाती, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट, और डिजायर्ड प्रॉफिट बच्चों हम लोगों ने निकाला हुआ है 90,000 प्लस 40,000 एक्स। अभी निकाला था ना 90,000 प्लस 40,000 एक्स डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। मैं बच्चों वैसे तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट को एक्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट लिख सकता हूं, लेकिन मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको छोड़ रहा हूं यहां पर, विच इंप्लाइज कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट, यानी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 5,10,000 प्लस 90,000 दैट इज 6,00,000, और 6,00,000 के साथ 40,000 एक्स को जब आप 4,00,000 से डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट। कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट इज इक्वल टू 6,00,000 को 4,00,000 से डिवाइड करो कंप्यूटर जी 1.5, और 40,000 को 4,00,000 से डिवाइड करो 0.1x। ये है बच्चों आपका कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट। नाउ सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू कॉन्ट्रीब्यूशन, और आप सभी लोग पढ़े लिखे बैठे हैं, सेलिंग प्राइस बच्चों मैंने एक्स माना हुआ है, वेरिएबल कॉस्ट 7.50 रुपये है, और कंट्रीब्यूशन हमारे पास एक्स की टर्म्स में आ रहा है, और एक्स की टर्म्स में आ रहा है 0.1x के साथ। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे ना तो ये हो जाएगा एक्स माइनस 0.1x इज इक्वल टू ₹9। तो यहां से बच्चों आपको x की प्राप्ति होने वाली है, 9 रुपए को 0.9 से डिवाइड करोगे तो 10 रुपए का सेलिंग प्राइस आ जाएगा। अब बच्चों 10 रुपए के चक्कर में इसने हमें कितना घुमाया, है ना, 10 रुपए के चक्कर में कितना घुमा दिया, लेकिन बच्चों कोई बात नहीं, 10 रुपए से एटलीस्ट हमें 5 नंबर तो मिलेंगे, तो देयरफॉर सेलिंग प्राइस, देयरफॉर टू बी फिक्स्ड पर यूनिट इज इक्वल टू ₹10। 10 रुपए का सेलिंग प्राइस फिक्स करने पर बच्चों आपको, ठीक है, 10 रुपए का सेलिंग प्राइस फिक्स करने पर आपको डिजायर्ड प्रॉफिट मिल जाएगा जितना आप सोच रहे थे। हाँ जी बच्चों, समझ आ गया या कोई डाउट है? अगर पीवी रेशियो लिखते तो 4,00,000x लिखते, हाँ, लेकिन बच्चों पीवी रेशियो आती कहां से? आपको पीवी रेशियो के लिए भी तो कंट्रीब्यूशन चाहिए ना, तो कंट्रीब्यूशन एक्स माइनस 7.5 अपॉन सेलिंग प्राइस फिर एक्स, तो थोड़ा सा ना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इट इज बेटर टू अप्लाई कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। हाँ जी बच्चों, अभी भी किसी को कोई डाउट? चलो जी, बहुत अच्छी बात है। तो अब बच्चों मैं एक और कॉन्सेप्ट की ओर जा रहा हूं, ठीक है, और ये कॉन्सेप्ट बच्चों आप लोगों को याद होगा बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, और मैंने इसमें बहुत प्यारे प्यारे एक्सपेरिमेंट किए थे। तो बच्चों उन एक्सपेरिमेंट्स को एक बार फिर से झेलने को तैयार हो जाओ, आ जाओ मूंछों को थोड़ा राउंड घुमा के। आ रहा है बच्चों आपके सामने द चेंज फॉर्मूला फॉर अ चेंज, चेंज फॉर्मूला।
अब जो चेंज फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था कब लगाना है, जब आपके पास वेरिएबल कॉस्ट ना हो, जब आपके पास फिक्स्ड कॉस्ट ना हो, तो ऐसे सिचुएशन में आपको चेंज फॉर्मूला लगाना होगा। लेकिन इस चेंज फॉर्मूले का कॉन्सेप्ट क्या है, एक बार जल्दी से कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लेते हैं। लास्ट ईयर 2018 और करंट ईयर बच्चों 2019, दो साल की इंफॉर्मेशन है और इन दोनों के बीच में डिफरेंस है बच्चों चेंज। मैंने पहले साल की सेल मानी 10 लाख, दूसरे साल की सेल मानी 15 लाख, चेंज आ गया 5 लाख। वेरिएबल कॉस्ट 6 लाख से 9 लाख हो गया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि बच्चों सेल अगर 10 लाख से 15 लाख हुई है तो रीजन क्या है? रीजन है बच्चों क्वांटिटी, और क्वांटिटी अगर 1.5 गुना है तो वेरिएबल कॉस्ट भी 1.5 गुना होगी। क्योंकि हम लोगों ने मार्जिनल कॉस्टिंग की बेसिक अजम्पशन सुनी हुई है, किसकी एक अजम्पशन है कि सेलिंग प्राइस तब तक चेंज नहीं होगा जब तक क्वेश्चन मेंशन नहीं करता। वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट हम अपनी तरफ से बदल नहीं सकते, तो इसीलिए बच्चों मैंने यहां पर वेरिएबल कॉस्ट को भी 1.5 गुना कर दिया, तो चेंज आ गया 3 लाख, कॉन्ट्रीब्यूशन आ गया 4 लाख से 6 लाख, फिक्स कॉस्ट 2.5 लाख की 2.5 लाख रही। और आप खुद नोटिस करो, जब बच्चों प्रॉफिट का चेंज देखोगे ना, तो वो प्रॉफिट का चेंज कॉन्ट्रीब्यूशन के चेंज के बराबर होगा। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि बच्चों फिक्स कॉस्ट में चेंज नहीं आता, जब तक क्वेश्चन खुद ना कहे हम फिक्स कॉस्ट को अपनी तरफ से नहीं बदल सकते। तो बच्चों पीवी रेशियो नॉर्मल तरीके से देखी जाए तो कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इंटू 100, दैट इज 40%। अगले साल 6 लाख अपॉन 15 लाख इंटू 100, दैट इज अगेन 40%। एंड इफ यू अप्लाई द चेंज फॉर्मूला, तो चेंज इन कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन चेंज इन सेल्स अगेन 40%। अब जो फॉर्मूला तो ये है, कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स या चेंज इन कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन चेंज इन सेल्स, लेकिन चेंज इन कॉन्ट्रीब्यूशन चेंज इन प्रॉफिट के बराबर होगा। इसीलिए बच्चों ये चेंज फॉर्मूला डिराइव हुआ कि चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स इज योर पीवी रेशियो। ठीक है, चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स, दैट इज योर पीवी रेशियो। और बच्चों इसके ऊपर बेस्ड हमने एक क्वेश्चन डिस्कस किया था, पहले क्वेश्चन को वैसे ही पढ़ लेते हैं, उसके बाद मैं आपसे एक आधा एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चन दिखा भी दूंगा आपको। हमारी सेल बच्चों 8 लाख से 13 लाख हो गई, हमारा प्रॉफिट 2 लाख से 4 लाख हो गया। नोटिस करो क्वेश्चन के अंदर वेरिएबल कॉस्ट नहीं है, फिक्स कॉस्ट नहीं है। अगर वेरिएबल कॉस्ट होती तो कॉन्ट्रीब्यूशन पे पहुंच जाते, अगर फिक्स कॉस्ट होती तो प्रॉफिट में एड करके पहुंच जाते। लेकिन बच्चों दोनों चीजें ना होने की वजह से मुझे यहां पर मजबूर होकर चेंज फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। अब क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट देखो, कहता है कैलकुलेट एक्सपेक्टेड सेल्स ऑफ द नेक्स्ट ईयर 2021 आफ्टर कोविड-19 एरा फॉर डिजायर्ड प्रॉफिट ऑफ ₹550,000। क्या है बच्चों? ये है रिक्वायर्ड सेल्स फॉर डिजायर्ड प्रॉफिट। लेकिन इसके लिए आपके पास पीवी रेशियो होनी चाहिए, इसके लिए आपके पास फिक्स कॉस्ट होनी चाहिए। तो बच्चों क्वेश्चन हम इससे जो मर्जी मांगे, लेकिन हमारा सबसे पहला कदम, सबसे पहला स्टेप होगा कैलकुलेशन ऑफ पीवी रेशियो। एंड दैट इज व्हाट, पीवी रेशियो इज इक्वल टू चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स इनटू 100। चेंज इन प्रॉफिट है बच्चों 2 लाख और चेंज इन सेल्स है 5 लाख, पीवी रेशियो आ गई 40%। और आपको पता है बच्चों जब तक सेलिंग प्राइस ना बदले, जब तक वेरिएबल कॉस्ट ना बदले, पीवी रेशियो इज सेम ईयर बाय ईयर। तो इसीलिए बच्चों अगला कदम हम फिक्स्ड कॉस्ट पर पहुंचने के लिए लगा रहे हैं, कैलकुलेशन ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट। और फिक्स्ड कॉस्ट कैसे निकलेगा? दोनों ईयर्स की इंडिविजुअल सेल्स को अगर पीवी रेशियो से मल्टीप्लाई कर दें तो कंट्रीब्यूशन आता है, और कंट्रीब्यूशन में से अगर फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करते हैं तो प्रॉफिट आता है, तो अगर प्रॉफिट माइनस कर दोगे तो फिक्स्ड कॉस्ट आ जाएगी। ध्यान से नोटिस करो बच्चों, फिक्स्ड कॉस्ट दोनों ईयर्स में सेम आ गई। इसका मतलब हमारा अब तक का सॉल्यूशन बिल्कुल सही है। पीवी रेशियो अगर गलत है तो बच्चों ये फिक्स्ड कॉस्ट सेम नहीं आ सकती, राइट? अब क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट हम अप्लाई करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ रिक्वायर्ड सेल्स फॉर डिजायर्ड प्रॉफिट, दैट इज एक्सपेक्टेड फिक्स कॉस्ट। अगर क्वेश्चन यहां पर बोल देता कि आपको फिक्स कॉस्ट में 25% इंक्रीज करना है, तो बच्चों मेरी फिक्स कॉस्ट 1,20,000 की जगह 1,50,000 हो जाती, लेकिन ऐसा क्वेश्चन ने नहीं बोला। तो इसीलिए बच्चों यहां पर फिक्स कॉस्ट रही 1,20,000, डिजायर्ड प्रॉफिट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इज 5,50,000, और फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट डिवाइडेड बाई पीवी रेशियो, दैट इज योर रिक्वायर्ड सेल्स फॉर डिजायर्ड प्रॉफिट ऑफ 5,50,000, एंड द सेल्स शुड बी 16,75,000। अब अगर आप वेरीफाई करना चाहें तो 16,75,000 को
40% से मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन आएगा। टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट को माइनस करोगे तो आपका प्रॉफिट 5,50,000 आना चाहिए। नहीं आए तो समझ जाओ गलती क्वेश्चन करने वाले की। हाँ जी बच्चों, समझ आ गया या अंधेरा छा गया जल्दी से बता दो। बता दोगे तो मुझे आसानी होगी और नहीं बताओगे थोड़ी सी हैरानी होगी। हाँ जी, क्या आज क्लास के अंदर सिद्धार्थ और रोहित हैं या सो रहे हैं घर पर? रोहित जी तो नजर आ गए। वेयर इज सिद्धार्थ? सिद्धार्थ छुट्टी पर है। चलो बच्चों, अब एक क्वेश्चन मैं इस चेंज फॉर्मूले के ऊपर अभी मैं सिद्धार्थ को उठाने के लिए उसको फोन करूंगा और एक गाना गाऊंगा। सो रहा है ना तू, रो रहा हूं मैं, सो रहा है ना तू, रो रहा हूं मैं। चलो कोई बात नहीं बच्चों, सोने के दिन भी आप लोगों के ही है। बुढ़ापे में तो कई बार लोगों को नींद ही नहीं आती। चलो खैर, एक क्वेश्चन का आनंद लो। हाँ जी बच्चों, प्रीवियस ईयर एंड करंट ईयर हमारी सेल्स 25 लाख से 40 लाख हो गई, ठीक है, और हमारा प्रॉफिट 25 लाख। अब जो एक इंफॉर्मेशन साथ में दी जा रही है, फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ करंट ईयर, इंक्रीज्ड बाय 50%। आप मुंबई आ रहे हैं? अरे वाह सानी साहब, आपने मुझे मोटिवेट कर दिया। मैं अभी क्लास के बाद एक बार ट्राई मारता हूं मुंबई जाने के लिए। तो बच्चों, मेरा फिक्स कॉस्ट करंट ईयर में ना 50% बढ़ गया। अब क्वेश्चन क्या चाहता है, कैलकुलेट एक्सपेक्टेड प्रॉफिट इन द नेक्स्ट ईयर। एक्सपेक्टेड प्रॉफिट इन द नेक्स्ट ईयर इफ सेल्स 60 lakhs। After increase in fixed cost, further by 20%। अगर बच्चों हमारी फिक्स कॉस्ट 20% और बढ़ जाएगी, तो
तो उसके बेस पर हमारा प्रॉफिट क्या होगा। देखो दो तरह के क्वेश्चन बनते हैं इसमें, या तो सीधा रिक्वायर्ड सेल्स फॉर डिजायर्ड प्रॉफिट, और या फिर प्रॉफिट निकाल दो सेल्स गिवन। तो बच्चों इस बार मुझे सबसे पहले पीवी रेशियो निकालनी होगी, लेकिन पीवी रेशियो दोनों ईयर्स की सेम रहेगी, कारण फिक्स्ड कॉस्ट बढ़ी है, सेलिंग प्राइस नहीं बढ़ा, वेरिएबल कॉस्ट नहीं बढ़ी। बट एक बात कंफर्म है, यहाँ की फिक्स कॉस्ट भी नहीं पता, यहाँ की फिक्स कॉस्ट भी नहीं पता, बट एक बात पता है कि यहाँ पर फिक्स कॉस्ट अगर 1 रुपया है तो यहाँ पर 1.5 रुपया है। तो बच्चों हम क्या करें, हम यहाँ पर फिक्स कॉस्ट को एक्स मान लेते हैं, तो यहाँ पर ये 1.5x हो जाएगा, राइट। तो आ जाओ बच्चों इसके सॉल्यूशन की ओर चलें। लेट द फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ प्रीवियस ईयर बी एक्स, तो देयरफॉर फिक्स कॉस्ट ऑफ प्रीवियस ईयर अगर एक्स है तो फिक्स कॉस्ट ऑफ करंट ईयर 1.5x है। नाउ पीवी रेशियो ऑफ प्रीवियस ईयर इज इक्वल टू पीवी रेशियो ऑफ करंट ईयर। पीवी रेशियो ऑफ प्रीवियस ईयर इज इक्वल टू पीवी रेशियो ऑफ करंट ईयर, विच इंप्लाइज फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट अपॉन सेल्स ऑफ प्रीवियस ईयर। फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट अपॉन सेल्स ऑफ करंट ईयर। लगा दो बच्चों इसको। पिछले साल की फिक्स कॉस्ट एक्स थी, पिछले साल का प्रॉफिट 7 लाख था, इस बार की सेल बच्चों 25 लाख थी। पिछले साल के बाद अगर करंट ईयर की बात की जाए तो ये 1.5x, प्रॉफिट 11,50,000 डिवाइडेड बाय सेल्स ऑफ 40 लाख। अब बच्चों सिंपल मैथमेटिक्स क्या चाहता है, वो जो इस 5 जीरो से ये 5 जीरो काटने को अलाउ करता है, लेकिन यहां की 5 जीरो को यहां से नहीं काट सकते। तो मैं बच्चों शॉर्टकट थोड़ा सा लगाऊंगा, 5 जीरो से 5 जीरो काट दूंगा, और फिर मैं करूंगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, वरना मैं एक और काम भी कर सकता हूं, इसको 25 को 20 से काट दो तो ये 1.6 आ जाएगा। शायद 25 × 1.6 इज इक्वल टू 40, राइट। अब बच्चों 1.6 को इससे मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या हम फिक्स कॉस्ट पर पहुंच जाएंगे। 1.6x प्लस 7 लाख का 1.6 से मल्टीप्लीकेशन करने पर ये आएगा 11,20,000, और यहां पर आ रहा है 1.5x प्लस 11,50,000। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे ना बच्चों, तो आपको सबसे पहले लास्ट ईयर की फिक्स कॉस्ट मिलेगी, ₹3 लाख की फिक्स्ड कॉस्ट। ये लास्ट ईयर की फिक्स्ड कॉस्ट आ गई है, तो देयर फोर फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ प्रीवियस ईयर फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ प्रीवियस ईयर इज इक्वल टू 3 लाख, एंड फिक्स कॉस्ट ऑफ करंट ईयर 4,50,000। अब जो क्या ये फिक्स कॉस्ट सही है, तो जब आप इनको अप्लाई करोगे ना, तब जाकर आपको पता चलेगा कि आपकी पीवी रेशियो कितनी है। जैसे यहां पे अगर आप 4 लाख लेते हो, सॉरी 3 लाख, तो 3 लाख प्लस 7 लाख अपॉन 25 लाख, दैट इज 40%। यहां पर अगर आप 4.5 लाख लेते हो, तो 4.5 लाख प्लस 11,50,000, 16 लाख डिवाइड बाय 40%, 40 लाख, दैट इज अगेन 40%।
इसका मतलब दोनों ईयर्स की पीवी रेशियो बच्चों 40% आ गई। तो दैट इज द वेरिफिकेशन कि हमारा ये आंसर फिक्स कॉस्ट का बिल्कुल सही जा रहा है। हाँ जी बच्चों, जा रहा है सही या ऊपर से जा रहा है? हाँ जी, नोट हो गया? बच्चों अभी आप लोगों का ना 4 बजे 1 घंटे का मार्जिनल कॉस्टिंग का टेस्ट होगा, ठीक है, और उसके अंदर ये चेंज फॉर्मूला नहीं आएगा। जो लास्ट क्लास में 5 टूल्स पड़े हैं उसी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, मॉडिफाइड वर्जन। क्वेश्चन नोट करना है, लोग सॉल्यूशन नोट करते हैं। श्रुति बाबा आप क्वेश्चन नोट कर रहे हो? करो करो, जल्दी जल्दी नोट करो। बीच बीच में बच्चों पानी पीते रहो, नींबू पानी मिल जाए तो और बढ़िया, लस्सी मिल जाए तो भी बढ़िया। मुझे बच्चों याद आ रही है वो सुबह जब मैं आपके साथ वहाँ पर जनकपुरी सेंटर में छाछ पीता था, लस्सी पीता था, कभी कभार रूह अफ़ज़ा और कोई और स्क्वैश वगैरह भी मिल जाता था, लेकिन वो दिन कहाँ गए पता नहीं। बट कोई बात नहीं, हम इकट्ठे फिर से होंगे। मैं बच्चों बहुत सारी आप लोगों के लिए ट्रॉफी बनवा रखी है, नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को ना फोटो खींच कर भेजूंगा। बहुत सारी ट्रॉफीज आप लोगों के लिए बनवा रखी हैं, सिर्फ उस पर स्टिकर लगना बाकी है जो बच्चे आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के साथ थे। लेकिन सारी प्लानिंग बच्चों हमारी इस COVID-19 ने हिला दी। बेटे डायरेक्टली चेंज फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो सकता अरोड़ा साहब, चेंज फॉर्मूला डायरेक्टली तभी अप्लाई हो सकता है जब फिक्स्ड कॉस्ट सेम रहे। नोटिस करो, यहां पर फिक्स्ड कॉस्ट सेम थोड़ी है, तो इसलिए जोश में मत आया करो। नाउ पीवी रेशियो, पीवी रेशियो ऑफ प्रीवियस ईयर इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट 3 लाख प्लस प्रॉफिट। कितना प्रॉफिट था बच्चों पिछले साल? 7 लाख रुपए का प्रॉफिट था और पिछले साल सेल थी 25 लाख। ये है बच्चा पार्टी 40%, और अगर आप इसके अंदर करंट ईयर वाला लगा दोगे तो भी 40% ही आएगा। कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेक्टेड प्रॉफिट ऑफ नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर बच्चों एक्सपेक्टेड सेल्स होने वाली है 60 लाख। अच्छा, अगर यहां पर मान लो सेलिंग प्राइस 10% बढ़ जाता, सेलिंग प्राइस 10% बढ़ जाता तो आपकी पीवी रेशियो 40% से चेंज हो जाती, ठीक है। तो वो भी मैं अभी लगा के दिखाता हूं आपको, एक्सपेक्टेड सेल्स इनटू एक्सपेक्टेड पीवी रेशियो, और पीवी रेशियो बच्चों 40% ही है। एक्सपेक्टेड कॉन्ट्रीब्यूशन 24 लाख, पिछले साल बच्चों फिक्स्ड कॉस्ट
3 लाख थी, इस साल 4.5 लाख है और अगले साल ये फर्दर 20% बढ़ रही है, और 4-50 के अंदर अगर 20% बढ़ जाएगी तो ये 90,000 बढ़कर 5-40 हो जाएगी। तो बच्चों आपका एक्सपेक्टेड प्रॉफिट क्या हो जाएगा? 18,60,000। एक नोट की तरह से यहां पर आप अपने रेफरेंस में लिख देना, इफ सेलिंग प्राइस ऑफ नेक्स्ट ईयर इंक्रीज्ड बाय 10%, देन एप्लीकेबल पीवी रेशियो इज इक्वल टू। देखो पिछले साल अगर सेलिंग प्राइस 100 रुपए है तो अगले साल 110 रुपए हो जाएगा। अब सेलिंग प्राइस 110, लेकिन बच्चों वेरिएबल कॉस्ट 60 की 60 और कंट्रीब्यूशन 50 रुपए, तो देयर फोर एक्सपेक्टेड पीवी रेशियो बदल गई। फिफ्टी बाय 110 इंटू 100, बताओ वत्स आपकी पीवी रेशियो क्या हो गई? ये हो गई 45.4545। और होगा क्या बच्चों, जहां मैंने ऊपर प्रॉफिट निकालते वक्त एक्सपेक्टेड पीवी रेशियो 40% लिखी थी, वो 45.4545 हो जाएगी। उससे बच्चों आपका जो प्रॉफिट है वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। हाँ जी, समझ आ गया क्वेश्चन? इस तरह से बच्चों क्वेश्चन के अंदर कितने भी एक्सपेरिमेंट्स किए जा सकते हैं। सिमर बच्चे मैं ये कह रहा हूं कि अगर मेरा सेलिंग प्राइस अगले साल, जिस साल का मैं प्रॉफिट अगले साल का पूछ रहा था ना, अगर मेरा सेलिंग प्राइस अगले साल 10% बढ़ जाता, तो सेलिंग प्राइस अगर पिछले साल 100 रुपये था तो इस साल 110 हो जाएगा। वेरिएबल कॉस्ट पिछले साल 60 रुपये थी, क्यों? क्योंकि अगर पीवी रेशियो 40% है तो वेरिएबल कॉस्ट शुड हैव बीन एट 60%। तो इसीलिए यहां वेरिएबल कॉस्ट रहेगी 60 की 60, और ये 60% है बच्चों वेरिएबल कॉस्ट, 60% ऑफ 100। यहां पे सेलिंग प्राइस हो गया है 100 प्लस 10%, ठीक है ना? तो मेरी पीवी रेशियो जो पहले 40% थी वो 45.45% हो जाएगी। हाँ जी बच्चा पार्टी, समझ आ गया क्वेश्चन? एनी डाउट? इस तरह से बच्चों मैंने बहुत सारे आपको एक्सपेरिमेंट कर करके दिखा रखे, आप लोगों के रजिस्टर में वो सारे के सारे एक्सपेरिमेंट्स हैं। हालांकि ये एक्सपेरिमेंट बच्चों अगर सीए फाइनल के बच्चों को भी पूछ लिया जाए ना, शायद वो भी डाइजेस्ट ना कर पाए, लेकिन इंस्टीट्यूट बच्चों कई बार एक्सपेरिमेंट करता है और हो सकता है आगे जाकर मैं ही आपका पेपर सेटर बन जाऊं। ठीक है, किसी को बताना मत, ये हमारी आपस की बात है, लेकिन पेपर सेटर बनने के बाद भी बच्चों पेपर मैं आपको नहीं बताऊंगा, कहीं वेट करना शुरू कर दो। चलो बस नेक्स्ट हेडिंग लिखो, मर्जर ऑफ टू प्लांट्स या फैक्ट्रीज। व्हाट इज मर्जर? कंबाइनिंग द टू फैक्ट्रीज, कंबाइनिंग द टू प्लांट्स। अगर मैं दो फैक्ट्रीज या दो प्लांट्स को बच्चों मर्ज कर दूं, तो मेरे प्लांट ए और बी जो 60% और 70% कैपेसिटी पर ऑपरेट कर रहे थे, इस पे सेल्स हो रही थी 30 लाख और 42 लाख, वेरिएबल कॉस्ट हो गई 15 लाख और 25 लाख 20 हजार। देखो हर फैक्ट्री की अपनी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है, हर फैक्ट्री से अपनी सेल अचीव हो रही है,
हर फैक्ट्री की अपनी वेरिएबल कॉस्ट है। कई ऐसी लोकेशन होती हैं जहां पर मटेरियल सस्ता होता है, कई ऐसी लोकेशन होती हैं जहां पर लेबर सस्ती होती है, और कई ऐसी लोकेशन होती हैं जहां पर दोनों चीज़ें महंगी होती हैं। तो इस तरह से आपकी वेरिएबल कॉस्ट ज़रूरी नहीं है सेम परसेंटेज हो। जैसे यहाँ देखो तो 30 लाख में 15 लाख यानी 50%, लेकिन 42 लाख में से 25 लाख 20 हज़ार, तो बच्चों ये बनेगा आपका 60% कॉन्ट्रीब्यूशन आ गया। फिक्स कॉस्ट दोनों अलग अलग फैक्ट्रीज की गिवन है, प्रॉफिट भी गिवन है। अब मुझे क्वेश्चन कहता है कि आप मर्ज प्लांट का ब्रेक इवन पॉइंट बताओ, मर्ज प्लांट का ब्रेक इवन पॉइंट। तो बच्चों मुझे पहले इन दोनों प्लांट्स को 100% लेवल पर कन्वर्ट करना होगा। ये लेवल 60 और 70 दे रहा है, मुझे इसको कन्वर्ट करना होगा 100% लेवल पर। अगर 60% पर 30 लाख तो 100% पर 50 लाख, अगर 70% पर 42 लाख तो 100% पर 60 लाख। तो बच्चों सबसे पहली ज़रूरत इस इनकम स्टेटमेंट को मर्ज करने के लिए दोनों को 100% लेवल पर ले जाओ। आओ वत्स, दोनों को 100% लेवल पर ले जाने के लिए मैंने क्या किया, ये देखो अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। हमारी 100% लेवल पर सेल हो गई 50 लाख और 60 लाख, मर्ज हो गया 1 करोड़ 10 लाख। वेरिएबल कॉस्ट 25 लाख से 36 लाख, मर्ज हो गया 61 लाख। कंट्रीब्यूशन 25 लाख 24 लाख, मर्ज हो गया 49 लाख। फिक्स कॉस्ट सेम रहेगी क्योंकि कैपेसिटी यूटिलाइजेशन के बदलने से फिक्स कॉस्ट में कोई चेंज नहीं आता, तो मर्ज हो गया 13 लाख। इससे बच्चों आपका प्रॉफिट आ गया। एक जगह पीवी रेशियो निकाली कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स करके तो 50% आई, एक जगह निकाली तो 40% आई, मर्ज प्लांट की निकाली तो 44.545454545454 आई। अब जो ब्रेक इवन पॉइंट के लिए हमारा फॉर्मूला क्या होता है, टोटल फिक्स कॉस्ट अपॉन ओवरऑल पीवी रेशियो ऑफ द मर्ज प्लांट। क्योंकि बच्चों मुझे मर्ज प्लांट की ब्रेक इवन पॉइंट की कैलकुलेशन करनी है, तो फिक्स कॉस्ट 13 लाख और पीवी रेशियो 44.5454, तो ये आ गया 29,18,364 रुपीज खुले। और अगर कोई हमसे पूछे इस ब्रेक इवन पॉइंट के लिए आपको कितना परसेंट कैपेसिटी यूटिलाइजेशन करनी पड़ेगी, तो बच्चों 29,18,364 रुपये को 1 करोड़ 10 लाख से डिवाइड कर दो, दैट इज योर मैक्सिमम पॉसिबल सेल ऑफ द मर्ज प्लांट। और 1 करोड़ 10 लाख में से अगर आपको इतनी सेल करनी पड़ेगी तो आपको 26.53% करना पड़ेगा। हाँ जी समझ आ रहा है। इसके बाद क्वेश्चन में लिखा है एक्सपेक्टेड प्रॉफिट एट 75% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन ऑफ द मर्ज प्लांट। अब 75% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन के लिए 75% ऑफ 1 करोड़ 10 लाख माइनस ओवरऑल पीवी रेशियो सेम, एक्सपेक्टेड कंट्रीब्यूशन आ गया, उसमें से एक्सपेक्टेड फिक्स कॉस्ट माइनस कर दी तो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट आ गया। ठीक है बच्चों, ये है हमारा सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट में लिखा था रिक्वायर्ड सेल्स फॉर डिजायर्ड प्रॉफिट ऑफ ₹25 लाख रिलेटेड टू मर्ज प्लांट। बच्चों इसके लिए फॉर्मूला लगा दो, रिक्वायर्ड सेल्स फॉर डिजायर्ड प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, फिक्स कॉस्ट 13 लाख प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट 25 लाख होल डिवाइडेड बाई पीवी रेशियो ऑफ द मर्ज प्लांट 44.5454। तो ये है बच्चा पार्टी आपका मर्जर ऑफ द टू प्लांट्स की कहानी। हाँ जी बच्चों किसी को कोई डाउट है पूछ लो। इस बच्चों चेंज फॉर्मूले से पहले करवाया था शायद की फैक्टर,
हाँ जी बच्चों, चेंज फॉर्मूला क्लियर हो गया है, अब मर्जर ऑफ प्लांट्स भी क्लियर हो गया। तो अब मैं शुरू करवा रहा हूं बच्चों की फैक्टर। चलो बच्चों आ जाओ इधर, मूंछों को थोड़ा राउंड घुमा के की फैक्टर का सदुपयोग करें। हाँ जी बच्चों, की फैक्टर किसको कहते थे? की फैक्टर था हमारा लिमिटेड फैक्टर। हमने बच्चों इकोनॉमिक्स में पढ़ा है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। और इसी कैपिटल से बच्चों सारे खर्चे कवर होते हैं, इसी से मटेरियल मिलता है, इसी से लेबर को पेमेंट होती है, इसी से वेरियस ओवरहेड्स यानी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस बियर किए जाते हैं। तो बच्चों ये जो की फैक्टर है, ये है एक ऐसा इंपॉर्टेंट फैक्टर विच इज फैक्टर इन स्कैर्सिटी। क्योंकि बच्चों हम सभी जानते हैं कि हमारी लाइफ में उस चीज की इंपॉर्टेंस होती है जो चीज कम होती है। जो चीज कम होती है उसी की इंपॉर्टेंस है, जो चीज एबंडेंस में है उसकी बच्चों इंपॉर्टेंस नहीं है, ठीक है ना। आजकल आप देखो हम लोग अपनी लाइफ को लेकर कितने सतर्क हो गए हैं, ठीक है ना। जब से बच्चों COVID-19 आया है, ज्यादातर लोग सहम गए हैं, घर पे बैठे हुए हैं, लेकिन फिर भी मजबूरी है बच्चों, कईयों को बाहर जाना पड़ रहा है, ठीक है। हम लोग घर पे बैठकर अपना आराम से पढ़ सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर हम पढ़ नहीं रहे तो इसका मतलब हम अपनी अपॉर्चुनिटी को लूज कर रहे हैं। तो इंपॉर्टेंट फैक्टर बच्चों वो फैक्टर है जो लिमिटेड है, और लिमिटेशन है तो वो फैक्टर इन स्कैर्सिटी है। अब फैक्टर इन स्कैर्सिटी की वजह से उसकी इंपॉर्टेंस है, और बच्चों जब इंपॉर्टेंस बदलती है तो उसके अकॉर्डिंगली डिसीजन भी चेंज किया जाता है। जैसे बच्चों बचपन में एक छोटे से बच्चे के लिए इंपॉर्टेंट चीजें होती थी खिलौने, टॉयज। जैसे जैसे वो बड़ा हो जाता है उसकी इंपॉर्टेंस चेंज हो जाती है। आज की डेट में अगर आपको कोई एक बैट बॉल लाकर दे दे जो आपने कभी बचपन में मांगा हो, छोटा सा बैट बॉल, ठीक है, तो बच्चों आप उसको कहोगे ये अपने पास रखो, अपने बच्चों को इससे खिलाओ, क्योंकि बच्चों आज की डेट में उसकी इंपॉर्टेंस नहीं है। आज आपको एक गैजेट चाहिए, लेकिन क्या ये मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स आपके पेरेंट्स के लिए इतने अट्रैक्टिव हैं? क्या आपके पेरेंट्स इतने ज़्यादा उससे अट्रैक्ट होते हैं कि कभी ऐसा हो जाए कि वो अपने फ्रेंड को बुला बुला कर दिखा रहे हूँ, देख मैंने ना एप्पल लिया है, एप्पल 11, आईफोन 11 लिया है। बच्चों वो उन चीज़ों से ऊपर उठ चुके हैं। आपके घर में अगर कोई गाड़ी आएगी ना, अगर नहीं है और आएगी, बच्चों आप लोग उसके लिए बहुत एक्साइटेड हो सकते हो, लेकिन आपके पेरेंट्स के लिए ये नॉर्मल गाड़ी है। चाहे वो बाद में फॉर्च्यूनर बन जाए, कोई भी और बढ़िया सी गाड़ी आ जाए, ऑडी वगैरह आ जाए, लेकिन अब उनकी लाइफ के अंदर स्टेबिलिटी मैटर कर रही है। अब उनकी लाइफ में आपका स्टैंड होना मैटर कर रहा है। इस वक्त वो अपने बारे में कम सोचते हैं, आपके बारे में ज़्यादा सोच रही है। उनकी लाइफ की प्रायोरिटी चेंज हो चुकी है, उन्होंने जो लाइफ में स्ट्रगल करनी थी वो कर चुके हैं। आपको स्ट्रगल से वो फ्री करना चाहते हैं कि अगर वो नहीं पढ़े थे या वो आज भी कहीं पर स्ट्रगल कर रहे हैं, तो बच्चों वो ये नहीं चाहते कि आप भी स्ट्रगल करते रहो। इसी तरह से आपके ग्रैंड पेरेंट्स, आपके ग्रैंड पेरेंट्स की बच्चों प्रायोरिटी और बदल चुकी है। वो इस वक्त अपनी हेल्थ को लेकर थोड़े से कॉन्शियस हैं कि ठीक ठाक रहें, बुढ़ापे में किसी से सेवा ना करवाएं, ये देखकर बच्चों वो थोड़े से अपने ऊपर सोच रहे होंगे, लेकिन उनकी प्रायोरिटी बदल चुकी है। आज वो 2-2 करोड़ रुपए, 5-5 करोड़ रुपए खर्च करने के फेवर में नहीं है। उनके दिमाग में ये नहीं है कि हम 2-4 घर और खरीद लेते, ऊपर ले जाते, आराम से रहते वहां पर स्वर्ग लोक नर्क लोक में। नो, प्रायोरिटीज बच्चों ईयर बाय ईयर बदल रही है। तो इसी तरह से जब कोई फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लिमिटेड होता है तो बच्चों वहां पर हमारा जो बेसिस ऑफ डिसीजन है वो बदल जाता है। कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट तो हम लोग निकालते ही थे, लेकिन बच्चों कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट की जगह अब हमें यहां पर कॉन्ट्रीब्यूशन पर की फैक्टर चाहिए हुआ। तो हम क्या करेंगे, हम कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट की जगह इसको की फैक्टर से डिवाइड कर देंगे। अगर वो की फैक्टर मटेरियल की क्वांटिटी है, मतलब मटेरियल लिमिटेड है, तो बच्चों मैं कॉन्ट्रीब्यूशन पर केजी निकालूंगा, कॉन्ट्रीब्यूशन पर लीटर निकालूंगा। अगर मैं कपड़े में डील करता हूं तो कॉन्ट्रीब्यूशन पर मीटर निकालूंगा।
इसी तरह से अगर लेबर के टाइम की इंपॉर्टेंस ज्यादा है, सोचो तो मैं कॉन्ट्रीब्यूशन पर लेबर आर निकालूंगा। अगर मेरे मशीन टाइम की इंपॉर्टेंस ज्यादा है तो मैं कॉन्ट्रीब्यूशन पर मशीन आर निकालूंगा। अगर मेरी सेल्स क्वांटिटी के ऊपर राइडर लगा हुआ है कि मैं इससे ज्यादा क्वांटिटी नहीं बेच सकता तो मैं कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट को ही एज इट इज ले लूंगा। अगर मेरी सेल्स वैल्यू के ऊपर राइडर लगा हुआ है कि मैं इससे ज्यादा सेल्स अमाउंट रियलाइज नहीं कर सकता तो बच्चों कॉन्ट्रीब्यूशन पर रूपी या पीवी रेशियो को मैं इंपॉर्टेंस दूंगा। तो कहने का ये मतलब है कि जैसे जैसे मेरे की फैक्टर में चेंज आएगा वैसे वैसे बच्चों मेरा बेसिस ऑफ डिसीजन बदल जाएगा। अब आप देखो, अगर मैं तीन प्रोडक्ट्स के बारे में बातें कर रहा हूं एबीसी, जिनके अपने अपने सेलिंग प्राइस है 20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, अपनी अपनी वेरिएबल कॉस्ट है 12 रुपए, 32 रुपए, 60 रुपए, तो हर किसी का अपना कॉन्ट्रीब्यूशन है 8 रुपए, 18 रुपए, 40 रुपए। देखा जाए तो पर यूनिट बेसिस पर सबसे बढ़िया प्रोडक्ट है सी, फिर है बी और फिर है ए। लेकिन बच्चों अगर यहां पर कभी मटेरियल लिमिटेड हो जाए तो मुझे यहां पर कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट के बेस पर रैंकिंग नहीं देनी, मुझे यहां पर कॉन्ट्रीब्यूशन पर केजी निकालना होगा। अगर यहां पर कभी लेबर की स्कैरसिटी हो जाए तो बच्चों मुझे कॉन्ट्रीब्यूशन पर आर निकालना होगा। अगर यहां पर कभी मशीन, चार मशीनें हैं, चार में से दो खराब हो गई तो दो मशीनें रह गई, तो उस मशीन टाइम की स्कैरसिटी होने से बच्चों मैं कॉन्ट्रीब्यूशन पर मशीन आर निकालूंगा। तो डिपेंडिंग अपॉन द इंफॉर्मेशन अवेलेबल, आओ देखें, इफ मटेरियल इज लिमिटेड, अगर मटेरियल लिमिटेड है यानी मटेरियल की फैक्टर है, तो बच्चों मटेरियल एक यूनिट के ऊपर कितना लगाते हो? ए के ऊपर 0.1 kg यानी 100 ग्राम, बी के ऊपर 0.2 kg यानी 200 ग्राम, सी के ऊपर 1 किलो। अब आप देख सकते हैं 100 ग्राम से आप 8 रुपए कमा रहे थे, 200 ग्राम से आप 18 रुपए कमा रहे थे, 1 किलो से आप 40 रुपए कमा रहे थे। तो बच्चों इसको सेम लेवल पर लाने के लिए मैंने कॉन्ट्रीब्यूशन पर केजी निकाल लिया, इधर आया 80, इधर आया 90, इधर आया 40। जब मैं सबसे बेस्ट कह रहा था सी को, तो बच्चों सबसे बेकार हो गया, टाइम ने उसको बदल दिया, टाइम ने मेरी सोच बदल दी। जब तक ये COVID-19 के केसेस मार्च 2020 या जनवरी 2020 से पहले इंडिया में नहीं आए थे तो बच्चों इंडियंस पैसे के पीछे भाग रहे थे, पैसा कमा लो, सुबह भी पैसा कमाना है, शाम को भी पैसा कमाना है, रात को भी पैसा कमाना है, सपनों में भी पैसा ही पैसा। इसीलिए किसी महापुरुष ने गाना लिखा, क्यों पैसा पैसा करता है तू पैसे पे क्यों मरता है। कौन सी मूवी में बच्चों ये गाना आया था बता दो जरा एक बार फिर से, मेरी भी जनरल नॉलेज थोड़ी सी बढ़ जाएगी। कौन सी मूवी का गाना है, क्यों पैसा पैसा करता है तू पैसे पे क्यों मरता है। अरे वाह, दे दना दन। अब आप बताओ बच्चों इसके अंदर हीरो और हीरोइन कौन थे? अक्षय कुमार, कैटरीना, फिर से, अरे वाह नुपुर बाबा आप तो छाए हुए हो। दे दना दन सबसे पहले जवाब भेजा धनंजय सानी ने, फिर नुपुर, ये बच्चों बच्चे जो है ना, प्राची सिंह भी पीछे नहीं है आज तो, ये बच्चे भाई साहब सिर्फ पढ़ते नहीं है ये मूवी भी देखते हैं। अच्छी बात है बच्चों, ऑलराउंडर बनना चाहिए। सोचो मेरी रैंकिंग बदल गई, फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक, रैंक चेंज हो गया। अगर लेबर लिमिटेड हो जाए तो बच्चों मैं निकालूंगा कॉन्ट्रीब्यूशन पर आर या कॉन्ट्रीब्यूशन पर मिनट। रोहित जी कह रहे हैं आप अक्षय कुमार के फैन हो, अरे अक्षय कुमार तो मेरा फैन है। अक्षय कुमार के बच्चों साइन की कोई वैल्यू है बताओ? वो भी अपनी रिटर्न किससे भरवाएगा? चार्टर्ड अकाउंटेंट से ही। बच्चों ये सब लोग हमारे फैन हैं, हम क्या करेंगे इनके फैन बनकर, छोड़ो। देख तो लिया आपने रिया चक्रवर्ती ने 25 फिल्म स्टार्स का नाम ले लिया, अब आगे जाकर देखो ये जितने भी आपको सेलिब्रिटीज, बड़े बड़े नाम,
इनका बड़ा काम लग रहा था ना, चक्रवर्ती आंटी सबका बजाएगी बैंड। देखना ये सब लोग दोबारा से सीए सीएस कर रहे होंगे अब। अगर बच्चों लेबर लिमिटेड है, ए को बनाने में 20 मिनट, बी को बनाने में 50 मिनट और सी को बनाने में 40 मिनट का टाइम लगता हो, तो ऐसी सिचुएशन में बच्चों मुझे निकालना होगा कंट्रीब्यूशन पर मिनट, और मेरी रैंकिंग यहाँ फर्स्ट, यहाँ सेकंड, यहाँ थर्ड हो जाएगी। तो बच्चों सबसे पहली बात तो ये है कि मेरी रैंकिंग मुझे पता चलेगी, प्रायोरिटी ऑर्डर पता चलेगा, और जब मुझे प्रायोरिटी ऑर्डर पता चलेगा तो इसकी हेल्प से बच्चों मैं ऑप्टिमम प्रोडक्ट मिक्स निकालूंगा। व्हाट इज ऑप्टिमम प्रोडक्ट मिक्स? बेस्ट, एक ऐसा प्रोडक्ट मिक्स जो बच्चों मेरे प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करवा दे, जो मेरे प्रॉफिट को मैक्सिमम लेवल पर पहुंचा दे। तो बच्चों टू डिसाइड अबाउट द यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल लिमिटेड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज द ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी। कहते हैं हमारे पास जो अवेलेबल लिमिटेड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उसको हम किस तरह से यूज करें कि हमारी प्रॉफिटेबिलिटी मैक्सिमम हो जाए। तो दिस इज द पर्पज ऑफ दिस की फैक्टर। अब जो मैंने एक एग्जाम्पल से इसको आपको समझाना है, ध्यान से समझें। कॉन्ट्रीब्यूशन हमारा 8 रुपये, 18 रुपये और 40 रुपये था। मान लो मटेरियल पर यूनिट 1 किलो, 3 किलो, 6 किलो लगता था और मैक्सिमम पॉसिबल सेल 2,000, 1,500 और 1,000 है, यानी आप ज़्यादा से ज़्यादा इतनी इतनी क्वांटिटी बेच सकते हो। बेच तो तब लोगे ना जब बनाओगे। सिमर जी चेक योर इंटरनेट कनेक्शन, चेक योर इंटरनेट कनेक्शन, और या फिर एक बार ऐप से बाहर जाकर वापस आ जाओ। ओके, दिस इज योर इंटरनेट प्रॉब्लम। मेरे पास बच्चों अवेलेबल मटेरियल है 10,500 किलो। वैसे देखा जाए ना तो मुझे मटेरियल कितना चाहिए? मुझे चाहिए 2,000 × 1, 2,000 किलो, 1,500 × 3, 4,500 किलो, 1,000 × 6, 6,000 किलो, ये टोटल बनता है 12,500 किलो, लेकिन मेरे पास तो नहीं है। तो इसलिए बच्चों मैं इस 10,500 किलो को इस तरह से यूज करूंगा कि मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट मिल जाए। मैंने सबसे पहला काम क्या किया, मैंने कंट्रीब्यूशन पर केजी निकाला, और कंट्रीब्यूशन पर केजी 8/1, 18/3 और 40/6 करने पर 8 रुपीज, 6 रुपीज और 6.67 आ गया। तो बच्चों जो सबसे बढ़िया प्रोडक्ट था वो दूसरे नंबर पर आ गया, और जो सबसे बेकार प्रोडक्ट था वो पहले नंबर पर आ गया। ये बच्चों वक्त वक्त की बात है। जिस मोबाइल फोन को बच्चों स्कूल वालों ने स्कूल से बाहर निकाल दिया था, आज वही मोबाइल फोन उनका स्कूल चला रहा है। तो वक्त वक्त की बात है, वक्त मोबाइल फोन वालों के साथ है। रैंकिंग फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। अब मैं बच्चों सबसे पहले किसको बनाऊंगा? मैं बनाऊंगा ए को, और अगर मैं ए को बनाऊंगा या एक्स को बनाऊंगा, जो भी मैंने नाम रखा था, हाँ एक्स रखा हुआ है। तो बच्चों अगर मैं एक्स को सबसे पहले बनाऊंगा तो मुझे 1 किलो के हिसाब से 2,000 किलो एक्स के लिए रखने पड़ेंगे। फिर मैं जेड बनाऊंगा और बाद में बचा खुचा वाई को दे दूंगा। तो बच्चों मैंने इसके लिए ना एक स्टेटमेंट बनानी आपको सिखाई हुई है, स्टेटमेंट शोइंग द इवेल्युएशन ऑफ ऑप्टिमम प्रोडक्ट मिक्स। ऑप्टिमम प्रोडक्ट मिक्स कौन सा प्रोडक्ट है? प्रोडक्ट एक्स जेड वाई। अवेलेबल मटेरियल, जैसे बच्चों मैं कई बार आप लोगों को समझाने के लिए बताता हूँ कि जब आप एग्जामिनेशन हॉल में सबसे पहला क्वेश्चन कर रहे होते हैं तो उस वक्त आपको उस क्वेश्चन को करने के लिए 3 घंटे मिलते हैं, लेकिन आप उसको जल्दी से जल्दी निपटा कर दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं, फिर तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं, फिर चौथे क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। इस तरह से आप बढ़ते 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 ये ऑप्टिमम वाला ही बताने वाला हूं यार मैं। मैंने अभी सिर्फ रैंकिंग बताई है, इसका फर्स्ट रैंक है, इसका सेकंड रैंक है, इसका थर्ड रैंक है। अब इस रैंकिंग के बेस पर मुझे सबसे पहले किसको बनाना चाहिए? तो बच्चों एक्स को बनाने के लिए मेरे पास 10,500 किलो मटेरियल था। मैंने उसमें से 2,000 यूनिट्स बनाने के लिए 2,000 किलो एक्स के लिए रख लिए। 10,500 किलो में से अगर 2,000 किलो मैं एक्स के लिए रख लूं तो बच्चों बाकी 8,500 किलो बच जाएगा।
ये 8500 किलो यहां का क्लोजिंग जेड के काम आएगा, और जेड की 1000 यूनिट्स बनाने के लिए मुझे 6000 किलो मटेरियल चाहिए होगा, और 6000 किलो जब मैं 8500 में से दे दूंगा तो बच्चों 2500 किलो वाई के काम आएगा, और वाई को बनाने के लिए आपको 3 किलो मटेरियल चाहिए। तो बच्चों आप कितना बना पाओगे वाई? हालांकि वाई की डिमांड 1500 यूनिट्स है, लेकिन आप बना नहीं सकते क्योंकि आपके पास मटेरियल की स्कर्सिटी है। किसी बच्चे से पूछा जाए तेरा पेपर पूरा हो गया था, कहता नहीं, पेपर तो आता था लेकिन पेपर पूरा नहीं हुआ, कितने मार्क्स का छूट गया, 15 मार्क्स का छूट गया, इसका मतलब उसका टाइम कम पड़ गया। लेकिन बच्चों एक बच्चा आधा घंटा पहले पेपर छोड़कर चला गया, अब आधा घंटा पहले पेपर छोड़कर चला गया तो बाकी लोगों को तो फ्रस्ट्रेशन शुरू हो जाती है कि शायद ये भाई साहब जल्दी पेपर करके पूरा जा रहा है। लेकिन जब उससे पूछा कितना किया तो कहता है 60 नंबर का। अब पॉइंट ये राइज होता है, क्या 100 में से 60 नंबर का पेपर करके जो आधा घंटा पहले चला गया क्या उसके पास टाइम कम था? टाइम तो था लेकिन बच्चों उसको आता नहीं था। तो ऐसा ही यहां पर है, हमें डिमांड तो 1500 यूनिट्स की मिल रही है लेकिन हम बना ही नहीं सकते। हम बना सकते हैं मात्र 833 यूनिट्स, और अगर हम एक्स बनाएंगे 2000, जेड बनाएंगे 1000, वाई बनाएंगे 833, तब जाकर हमें मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगा। और यही चीज बच्चों मैंने प्रूव करनी है यहां पर, स्टेटमेंट शोइंग द इवेल्युएशन ऑफ मैक्सिमम ओवरऑल प्रॉफिट। लो वत्स, एक और क्वेश्चन के दर्शन करो। ये एग्जाम्पल बच्चों थोड़ा सा हटके है। हमारे पास तीन प्रोडक्ट हैं एबीसी, इनकी पीवी रेशियो गिवन है 40%, 50%, 30%। पीवी रेशियो से मल्टीप्लाई करके आ जाता है कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, और सेलिंग प्राइस में से कंट्रीब्यूशन माइनस करते हैं तो आ जाती है वेरिएबल कॉस्ट। अब क्वेश्चन आपको बता रहा है कि परसेंटेज ऑफ वेरिएबल कॉस्ट बीइंग मटेरियल, कहते हैं मटेरियल हमारी वेरिएबल कॉस्ट का कितना परसेंट है? तो ये बच्चों 50%, 60%, 40%। 50% का मतलब 30 रुपए का मटेरियल, 60% का मतलब 60 रुपए का मटेरियल, और 40% का मतलब 70 रुपए का मटेरियल। अगर ये मटेरियल 10 रुपए पर केजी हो तो बच्चों मटेरियल यहां लगेगा 3 किलो, यहां 6 किलो, यहां 7 किलो। हाँ जी, क्या ये क्वेश्चन समझ आ रहा है? ध्यान से देखो बच्चों यहां तक, कोई डाउट है तो पूछ लो। और अब कंट्रीब्यूशन पर केजी निकालने के लिए 40 रुपीज के कंट्रीब्यूशन को 3 केजी से डिवाइड कर दिया, 100 रुपीज के कंट्रीब्यूशन को 6 केजी से डिवाइड कर दिया, 75 रुपीज के कंट्रीब्यूशन को 7 केजी से डिवाइड कर दिया। तो बच्चों कंट्रीब्यूशन पर केजी आ गया 13.33, 16.67 एंड 10.71। तो बच्चों ये है फर्स्ट रैंक, ये है सेकेंड रैंक, ये है थर्ड रैंक। अब इसके बाद हम ज़्यादा से ज़्यादा 2000, 1500 और 2500 यूनिट्स बेच सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बेच सकते हैं। लेकिन हमारे पास है 29000 किलो मटेरियल, तो 29000 किलो मटेरियल से सबसे पहले बच्चों मैं रैंक ए, रैंक फर्स्ट वाला बी बनाऊंगा, फिर रैंक सेकंड वाला ए बनाऊंगा, और फिर रैंक थर्ड वाला सी बनाऊंगा। तो इसीलिए बच्चों 29000 किलो में से मैंने 1500 ए बनाने के लिए, सॉरी 1500 बी बनाने के लिए 9000 किलो सेट असाइड कर दिए। 29000 किलो मटेरियल है, 20000 किलो बच गया, 20000 किलो में से 2000 यूनिट्स को बनाने के लिए मैंने 6000 किलो अलग कर दिए। अब 14000 किलो बच गया, 14000 किलो से मैं 7 किलो के हिसाब से 2000 बना पाऊंगा। हालांकि बच्चों सी की जो डिमांड है वो 2500 यूनिट्स की है, लेकिन मेरे पास सामान नहीं है उसको बनाने के लिए। कई बार ऐसा होता है बच्चों मैन्युफैक्चरर हेल्पलेस हो जाता है, उसके पास ऑर्डर पे ऑर्डर आ रहे होते हैं लेकिन वो ऑर्डर को सप्लाई नहीं दे पाता। तो ऐसी सिचुएशन में बच्चों वो फ्रस्ट्रेट होकर पहले उसी चीज को बनाने की कोशिश करेगा जिससे उसको कंट्रीब्यूशन पर मटेरियल, पर केजी ऑफ मटेरियल मैक्सिमम मिले।
राइट। और बच्चों इसी के बेस पर मैंने अपना मैक्सिमम पॉसिबल कंट्रीब्यूशन निकाल दिया कि मैं बनाऊंगा बी 1500, कंट्रीब्यूशन मिलेगा 100 रुपए के हिसाब से 1,50,000। मैं बनाऊंगा ए 2000, कंट्रीब्यूशन मिलेगा 40 रुपए के हिसाब से 80,000। मैं बनाऊंगा सी 2000, कंट्रीब्यूशन मिलेगा 75 रुपए के हिसाब से 1.5 लाख, और मेरा मैक्सिमम पॉसिबल कंट्रीब्यूशन हो जाएगा 3,80,000। ओके रिपोर्ट। तो ये है बच्चा पार्टी हमारा की फैक्टर का रोल। अब आप लोगों ने की फैक्टर वाला पार्ट अच्छी तरह से क्वेश्चंस की हेल्प से देख लेना है, ओके। और अभी बच्चों मैं आपको दे रहा हूं एक बार फिर से 10 मिनट का ब्रेक, और ब्रेक के बाद मैं दिखाऊंगा आपको मार्जिनल वर्सेस एब्जॉर्प्शन, राइट। तो बच्चों तैयार होकर आना, भूल ना जाना। ओके रिपोर्ट, बाय बाय, टेक अ ब्रेक। रहेगा भी तो क्या हो गया यार, ओबीएस फोन रहेगा तो मेरे को उनसे पैसे लग रहे हैं। हाँ जी वरुण, हाँ टेस्ट तो रखेंगे बेटे 5 बजे के बाद रखेंगे ग्रुप पे। तो यार मंडे को जो टेस्ट, मंडे को जो असाइनमेंट सबमिट होना था, तो क्या आपने उसको उस टाइम पर देखा नहीं था? बेटे दिया कब था? हाँ तो फिर करना चाहिए था ना आपको तब तक। कर ले यार। हाँ, टेस्ट 1 घंटे का रखूंगा। ओके बच्चा, हाँ
करने बेटे मत टाइम वेस्ट कर, ये टाइम तुम्हारा नहीं मिलेगा फिर। हाँ, मैं भी पर थोड़ा सा मैथ्स का काम कर लूँ, उनकी क्लास भी है ना, फिर कर लो। बिजनेस स्टडीज का तो सर ने वो थर्ड चैप्टर में मतलब शुरू करवाना है, तो मैं तो वो करवा दूंगा, लेकिन खुद तो पहले कुछ तो शुरू कर। खाना खाने के बाद इतने जो बेकार आ रहे हैं ना, ये घूमना नहीं, एक्सरसाइज नहीं करनी, उस वजह से हो रहा सब कुछ। एक्सरसाइज तो मैं सर तीन बार मुझे रेस्ट करानी है। तीन बार वो तो मेरे को तीन बार क्यों, मैं तुझे बार बार कितना समझाऊंगा।
अपने सर से बोल रहा है टाइमर या सर वो भी लगाया साथ में वी मीट यू आफ्टर शॉर्ट ब्रेक पहले वो आया हां टाइमर चल रहा है तो लास्ट में होएगा वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक हां अपने आप शुरू हो जाएगी ना आपको पहले शुरू करना पड़ेगा जी शुरू करना पड़ेगा मैंने वहां थोड़ी लगा रखी है उस पे नहीं जा रही किस पे सिर्फ रिकॉर्डिंग हो रही है किसकी रिकॉर्डिंग हो रही है किसी की रिकॉर्डिंग हो रही है चुप हो जा भी यार प्लीज हाँ जी बच्चा पार्टी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक से पहले हम लोगों ने मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर की फैक्टर के बारे में डिस्कशन की थी। अब जो हम इसका एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं ऑन पब्लिक डिमांड। कुछ बच्चे इस टॉपिक को लेकर कुछ ज़्यादा ही परेशान थे, कोई बात नहीं, आज हम साथ साथ हैं, परेशानी का इलाज दूर करेंगे, इलाज ज़रूर करेंगे और परेशान लोगों को बिल्कुल ठीक करेंगे। हाँ जी बच्चा पार्टी चलो शुरू करें। अब मैं बच्चों आपको डिस्कस करने जा रहा हूं मार्जिनल वर्सेस एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। हाँ जी बच्चों हैव यू ज्वाइन द सेशन, प्लीज शो योर प्रेजेंस। हाँ जी बच्चों हैव यू ज्वाइन द सेशन? यस सर यस सर यस सर, बहुत बढ़िया। चलो बच्चों अब हम डिस्कस कर रहे हैं टॉपिक मार्जिनल वर्सेस एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। बच्चों मार्जिनल कॉस्टिंग को इतना डिटेल में पढ़ने के बाद हमें एक बात समझ आ गई है कि यहां पर किसी भी तरह की फिक्स कॉस्ट जो है वो पीरियड बेस्ड कॉस्ट मानी जाती है, चाहे वो फिक्स कॉस्ट प्रोडक्शन से रिलेटेड हो, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड हो, चाहे वो सेल्स या डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड हो। फिक्स्ड कॉस्ट बच्चों पीरियोडिक कॉस्ट है, पीरियड बेस्ड कॉस्ट है, इसीलिए वो उस पीरियड में आए हुए कंट्रीब्यूशन में से लेस हो जाती है ताकि आपको प्रॉफिट का पता चले। लेकिन बच्चों एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग नाम खुद बता रहा है, जिसके अंदर फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड्स को एब्जॉर्ब किया जाएगा। एब्जॉर्ब करवाने का मतलब क्या है? चार्ज करवाना, रिकवर करवाना। इसके लिए बच्चों हम एक प्री डिटरमिन एब्जॉर्प्शन रेट फिक्स कर देते हैं। जैसे बच्चों आप नोटिस करो ये पेन सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट की वजह से 10 रुपए में नहीं बिक रहा। इस पेन में वेरिएबल कॉस्ट में क्या लगा हुआ? प्लास्टिक से इसकी बॉडी तैयार हुई, इंक है, मेटल है, ये सब बच्चों वेरिएबल कॉस्ट है। हर यूनिट के ऊपर वर्कर को हमने 1 रुपया दिया होगा बनाने का, तो बच्चों वेरिएबल कॉस्ट है। लेकिन इसके अंदर फैक्ट्री का रेंट छुपा हुआ है, इसके अंदर फैक्ट्री के एम्प्लॉयज की सैलरी छुपी हुई है, इसके अंदर बहुत सारा एडमिनिस्ट्रेशन का बर्डन छुपा हुआ है, क्या वो आपको दिख रहा है? लेकिन बच्चों अल्टीमेटली चार्ज तो रिकवर तो हम जैसे कस्टमर से ही किया होगा, कैसे रिकवर करेंगे? तो बच्चों इन्होंने अपने फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स का एक एस्टीमेट लगाया और उसको एस्टीमेटेड आउटपुट से डिवाइड कर दिया कि अगर मैं इतनी क्वांटिटी बनाता हूं तो इतना खर्चा एब्जॉर्ब करवाने के लिए मुझे ये रेट चार्ज करना चाहिए। जैसे मैं मान लूं अगर कहूं आपसे कि 20 लाख रुपए फैक्ट्री ओवरहेड्स का बर्डन है, 20 लाख रुपए पूरे साल का फैक्ट्री का रेंट, फैक्ट्री की सैलरी, फैक्ट्री में डेप्रिसिएशन, फैक्ट्री में जितने भी खर्चे होते हैं वो सब 20 लाख रुपए हैं और हम टोटल 10 लाख यूनिट्स इस पेन की बनाएंगे। इसका मतलब बच्चों 20 लाख रुपए का भार जब 10 लाख यूनिट्स के ऊपर डालेंगे तो हर यूनिट के ऊपर 2 रुपए का भार पड़ेगा। हर यूनिट के ऊपर कितने का भार आएगा? 2 रुपए का भार। और वो 2 रुपए का भार जब बच्चों हम एब्जॉर्ब करवाएंगे तो हमने एक एस्टीमेट लगाया था कि हम 10 लाख यूनिट्स बनाएंगे। जरूरी तो नहीं है कि 10 लाख ही बने, बनने को 9 लाख बन गई तो 1 लाख यूनिट्स का अंडर एब्जॉर्प्शन रह जाएगा। अगर बनने को 11 लाख बन गई तो
एक लाख यूनिट्स का ओवर एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। तो बच्चों ये अंडर एब्जॉर्प्शन और ओवर एब्जॉर्प्शन वैसे तो हम लोगों ने ओवरहेड्स के चैप्टर में पढ़ा हुआ है, लेकिन मुझसे कुछ बच्चों ने कहा है कि सर हमें ओवरहेड्स भी रिवाइज करना है। मैं बिल्कुल करवाऊंगा बच्चों, ओवरहेड्स इसके ही एकदम बाद करवा दूंगा, ठीक है। ओवरहेड्स के लिए भी आप लोग तैयार रहना। तो मुझे यहां पर एक प्री डिटरमाइंड एब्जॉर्प्शन रेट ओवरहेड्स का फिक्स करना पड़ता है, जिसके बेस पर एट द एंड ऑफ द पीरियड हमें अंडर एब्जॉर्प्शन और ओवर एब्जॉर्प्शन का पता चलता है, जो हम अपने प्रॉफिट में एडजस्ट करके अपना रिजल्ट ढूंढ पाते हैं। और बच्चों ये एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग और मार्जिनल कॉस्टिंग में मेन डिस्प्यूट किस वजह से आता है? क्लोजिंग स्टॉक की वजह से। और ये क्लोजिंग स्टॉक ही अगली बार ओपनिंग स्टॉक बन जाता है, क्योंकि बच्चों आप सभी को पता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालते वक्त आप क्या करते थे? ओपनिंग स्टॉक प्लस ग्रॉस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन माइनस क्लोजिंग फिनिश्ड स्टॉक इज योर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। और जब बच्चों मार्जिनल कॉस्टिंग सारे की सारी फिक्स्ड कॉस्ट को उसी साल का खर्चा मानती है, लेकिन प्रोडक्शन से रिलेटेड फिक्स कॉस्ट को एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग प्रोडक्शन कॉस्ट का हिस्सा बनाता है, तो जिसकी वजह से इस साल का कुछ बर्डन अगले साल शिफ्ट हो जाता है। कहां पर? एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। मार्जिनल कॉस्टिंग सारा का सारा भार इसी बार के कॉन्ट्रीब्यूशन पे डाल देगी, लेकिन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग कुछ भार अगले पीरियड में शिफ्ट कर देगी, जो इस बार का क्लोजिंग स्टॉक अगली बार का ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा। तो बच्चों इन दोनों के आंसर में डिफरेंस आएगा भी तभी जब बीच में क्लोजिंग स्टॉक आएगा। अगर क्लोजिंग स्टॉक नहीं आएगा, ओपनिंग स्टॉक नहीं आएगा, तो बच्चों दोनों का आंसर सेम आएगा, राइट? तो आओ मैं आपको डिस्कस करूं इस मार्जिनल और एब्जॉर्प्शन के बारे में। पहले थोड़ी सी इंग्लिश, या बच्चों इंग्लिश आप लोगों ने लिखी हुई है बट फिर भी एक बार रिकॉल कर रहे हैं। तो बस्टेड फैक्ट्री ओवरहेड्स अगर 50 लाख हो और बस्टेड आउटपुट 1 लाख हो, तो बच्चों बस्टेड एब्जॉर्प्शन रेट है 50 रुपए पर यूनिट। क्या लिखा है? इन द मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक ऑल फिक्स्ड ओवरहेड्स वेदर रिलेटेड टू फैक्ट्री और एडमिनिस्ट्रेशन और सेल्स प्रमोशन वर कंसिडर्ड पीरियोडिक कॉस्ट। इसको बच्चों पीरियोडिक कॉस्ट माना जाता था। सो ऑल गेट्स डिडक्टेड फ्रॉम द अमाउंट ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन रिलेटेड टू सोल्ड क्वांटिटी। और इस बार की सोल्ड क्वांटिटी से ही तो बच्चों प्रॉफिट होता है। आप सभी को पता है प्रोडक्शन से प्रॉफिट नहीं होता, सेल से प्रॉफिट होता है, परचेज से प्रॉफिट नहीं होता, सेल से प्रॉफिट होता है। तो इसलिए बच्चों सोल्ड क्वांटिटी से मिलने वाला कॉन्ट्रीब्यूशन जब फिक्स कॉस्ट उसमें से लेस होगा, तब जाकर आपका प्रॉफिट सामने आएगा। ऑन द अदर हैंड इन द एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग फिक्स्ड ओवरहेड्स रिलेटेड टू प्रोडक्शन आर टू बी चार्ज्ड टू क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड एज पर प्री डिटरमाइंड एब्जॉर्प्शन रेट। प्री डिटरमाइंड एब्जॉर्प्शन रेट, वैसे बच्चों ये जो एब्जॉर्प्शन रेट है ये दो तरह के होते हैं। एक होते हैं परसेंटेज मेथड्स, एक होते हैं आवरली रेट मेथड्स। ये भी चीज ओवरहेड्स के चैप्टर में आएगी, लेकिन पता नहीं मैं बार बार बच्चों आपको क्यों ये रिवाइज करवाता हूँ। पर्पस सिर्फ एक है कि आपको ये हर वक्त याद रहे कि फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स को अब्सॉर्ब करवाने के कितने मेथड्स हैं। तो बच्चों तीन हैं परसेंटेज मेथड्स, तीन हैं आवरली रेट मेथड्स। परसेंटेज मेथड्स में क्या था? परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट मटेरियल, परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट लेबर, परसेंटेज ऑफ प्राइम कॉस्ट। इसी तरह से आवरली रेट मेथड्स थे मशीन आर रेट, लेबर आर रेट और ड्यूअल आर रेट। तो पर्पज ये है बच्चों, ये आपको हर वक्त याद रहे, क्योंकि आप किसी से भी जब कॉन्सेप्चुअली इस चैप्टर के बारे में डिस्कशन करोगे ना ओवरहेड्स के चैप्टर में, तो बच्चों यही पॉइंट है जो अगर आपको याद रहेगा तो आप किसी भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओगे। वरना बच्चों जनरली बच्चे उसके अंदर रट्टे मार रहे होते, उनको ध्यान ही नहीं होता कि एब्जॉर्प्शन रेट होता क्या है, ब्लैंकेट रेट क्या कहता है। हमने भी पीछे एक चैप्टर पढ़ा था एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, तो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में भी हम कंपैरिजन ही तो कर रहे थे कि ट्रेडिशनल मेथड एक सिंगल रेट यूज करता था, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग मेथड अलग अलग कॉस्ट ड्राइवर्स की हेल्प से एब्जॉर्प्शन रेट लेता है। तो इसीलिए क्या लिखा है बच्चों, द एब्जॉर्ब्ड प्रोडक्शन ओवरहेड्स आर टू बी कंपेयर्ड विद द अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन ओवरहेड्स एक्चुअली इनकर्ड। एब्जॉर्ब्ड को एक्चुअल से कंपेयर करूंगा to determine the under or over absorption of overheads in the absorption costing, the burden of fixed production overheads related to a period gets shifted to the other period as the closing stock includes an element of fixed production overheads to form part of cost of goods sold related to next period. जो बच्चों मैं समझा रहा था वही चीज मैंने यहां पर लिखकर बता दी है
ताकि आप लोग बाद में भी इसको रिकॉल कर पाएं, राइट। तो ये है बच्चा पार्टी हमारा मार्जिनल और एब्जॉर्प्शन के बीच में कॉन्सेप्चुअल डिफरेंस। नाउ हाउ टू प्रिपेयर द इनकम स्टेटमेंट। मार्जिनल कॉस्टिंग में इनकम स्टेटमेंट कैसे बन रही थी, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में इनकम स्टेटमेंट कैसे बनेगी, आओ देखें। यहां पर सबसे पहले बच्चों मैं एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के बारे में बातें करने जा रहा हूं, क्योंकि हम मार्जिनल की बहुत प्रैक्टिस कर चुके हैं, अब बारी है एब्जॉर्प्शन की। स्टेटमेंट शोइंग द प्रॉफिटेबिलिटी फॉर द पीरियड एंडेड, 6 महीने का टाइम हो, 1 साल का टाइम हो, 1 महीने का टाइम हो, आपको बच्चों ये इनकम स्टेटमेंट बनानी होगी यूजिंग एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। सबसे पहले द डिटेल्स रिगार्डिंग क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड एंड क्वांटिटी सोल्ड, ये है सिर्फ क्वांटिटेटिव डिटेल। नाउ द सेल्स वैल्यू फॉर सोल्ड क्वांटिटी एट द रेट ऑफ रुपीज व्हाटएवर में, हमारी सेल्स वैल्यू, इसमें वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लस फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स एब्सॉर्ब्ड, इनकर्ड नहीं, एब्सॉर्ब्ड किस बेस पर, एज पर प्री डिटरमाइंड एब्जॉर्प्शन रेट। और यहां से मिलेगा बच्चों ग्रॉस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, और ग्रॉस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ओपनिंग फिनिश्ड स्टॉक प्लस करेंगे तो कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल आएगा, और जब इसमें से क्लोजिंग फिनिश्ड स्टॉक माइनस करेंगे तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आएगा। और आपको सेल्स और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बीच में जो डिफरेंस मिलेगा दैट इज योर ग्रॉस प्रॉफिट। और ग्रॉस प्रॉफिट में से बच्चों अकाउंट्स के अंदर हम क्या करते आ रहे हैं, हम अकाउंट्स में ग्रॉस प्रॉफिट में से इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस करते आ रहे हैं, और वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस वेरिएबल एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेलिंग ओवरहेड्स हो सकते हैं, वो फिक्स्ड एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेलिंग ओवरहेड्स हो सकते हैं, और यहां से मिलेगा नेट प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट। नाउ व्हाट इज द रोल ऑफ एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट इज बिकॉज ऑफ द डिफरेंस बिटवीन ओवरहेड्स इनकर्ड एंड ओवरहेड्स एब्सॉर्ब्ड, दैट इज योर अंडर एब्जॉर्प्शन एंड ओवर एब्जॉर्प्शन। अब आप खुद सोचो, अगर बच्चों अंडर एब्जॉर्प्शन है तो आपने ओवरहेड्स कॉस्ट में कम लिखे हैं, कम लिखकर आपने अपना प्रॉफिट बढ़ा दिया, कॉस्ट को कम लिखकर प्रॉफिट को बढ़ाया, अब है प्रॉफिट को कम करने का टाइम, तो इसीलिए अंडर एब्जॉर्ब्ड फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स माइनस हो रहा है, ओवर एब्जॉर्ब्ड फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स प्लस हो रहा है, क्योंकि बच्चों अगर आपने ओवरहेड्स यहां पर ज्यादा लिख दिए तो आपने अपनी कॉस्ट को बढ़ा दिया, और कॉस्ट को बढ़ाकर आपने अपना प्रॉफिट कम कर दिया, अब बढ़ाने का वक्त है। और अगर आपने यहां पर कम लिखे हैं तो आपने अपनी कॉस्ट को कम कर दिया, कॉस्ट को कम लिखकर आपने अपने प्रॉफिट को बढ़ा दिया, इसीलिए अब कम करने का टाइम है। बच्चों ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको थोड़ी सी रिकॉल करनी है, बाकी तो सब मजाक है। तो ये है हमारा स्टेटमेंट शोइंग प्रॉफिटेबिलिटी एज पर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। इसको समझने के लिए बच्चों हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 23 को देखेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 23 बच्चों एक बहुत इंपॉर्टेंट, हालांकि छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन है इंपॉर्टेंट। आओ वत्स क्वेश्चन नंबर 23 की ओर चलें। कंप्यूटर जी क्वेश्चन नंबर 23 को ताला लगा दो और चाबी कहीं फेंक दो। ये रहा बच्चों क्वेश्चन नंबर 23 आपके मोबाइल स्क्रीन पर। कहते हैं योर कंपनी हैज अ प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ 2 लाख यूनिट्स पर ईयर, 2 लाख यूनिट्स हम हर साल बना सकते हैं प्रोडक्शन कैपेसिटी, बट नॉर्मल कैपेसिटी यूटिलाइजेशन इज रेकन्ड एज 90%। बना तो सकते हैं लेकिन बनाते नहीं, नॉर्मली हम 90% ही बना पाते हैं। इसका मतलब हम 1,80,000 यूनिट्स बना पाते हैं। कहते स्टैंडर्ड वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट, देखो स्टैंडर्ड वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट, पहली बात स्टैंडर्ड, लास्ट ईयर का एक्चुअल इस बार स्टैंडर्ड है। बच्चों मुझसे कोई पूछे आपको जनरली रमेश नगर जाने में कितना टाइम लगता है, तो मैं इसे वो टाइम बताऊंगा जो मुझे जनरली लगता है, मैं इसे वो टाइम नहीं बताऊंगा जब 1990 या 1995 के अंदर मैं रमेश नगर जाया करता था बस पे। आज मैं इसको वो टाइम बताऊंगा जो मैं गाड़ी पे जाता हूं तब मुझे कितना टाइम लगता है, ठीक है। जब मैं बस पे जाता था वो वाला टाइम थोड़ी बताऊंगा, जब मैं स्कूटी पे जाता था स्कूट या
बाइक पे जाता था उस वाला टाइम थोड़ी बताऊंगा मैं, इसको वो टाइम बताऊंगा जो मुझे आजकल लगता है। तो इसीलिए बच्चों स्टैंडर्ड पिछली बार का एक्चुअल है। और दूसरी बात, इसके अंदर वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट इंक्लूड है, मतलब क्या हुआ, इसके अंदर मटेरियल है, इसके अंदर लेबर है, इसके अंदर वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स है, तीनों चीजें इंक्लूडेड है। द यूनिट पर यूनिट के बाद द फिक्स्ड कॉस्ट आर 360,000 पर ईयर, वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट आर रुपीज 3 पर यूनिट एंड फिक्स्ड सेलिंग कॉस्ट आर रुपीज 270,000 पर ईयर। देखो ये भी फिक्स्ड है 360,000, लेकिन ये प्रोडक्शन से रिलेटेड है। ये भी फिक्स्ड है 270,000, लेकिन ये सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है। द यूनिट सेलिंग प्राइस इज रुपीज 20 इन द ईयर जस्ट एंडेड ऑन 30th June। द प्रोडक्शन वॉज 160,000 यूनिट्स एंड सेल्स वर 150,000 यूनिट्स। 160,000 यूनिट्स बनाई है, प्रोडक्शन हुई है, 150,000 बेच दी हैं। देखने से तो ऐसा लग रहा है जैसे 10,000 बच गई, लेकिन बच्चों क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑन 30th June वॉज 20,000 यूनिट्स। इसका मतलब 10,000 यूनिट्स पुरानी पड़ी होगी, क्योंकि अगर आपके पास 160,000 यूनिट्स की प्रोडक्शन है, 150,000 बेचने के बाद भी 20,000 पड़ी है, तो बच्चों 10,000 पुरानी थी, वो पुरानी क्वांटिटी ओपनिंग स्टॉक है। द एक्चुअल वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट फॉर द ईयर वर 35,000 हायर देन द स्टैंडर्ड। अंडरलाइन दिस इंग्लिश, मतलब क्या लगना चाहिए, 11 रुपए के हिसाब से 160,000 यूनिट्स के ऊपर 17,60,000 लगना चाहिए, लेकिन लगा 35,000 ज्यादा। तो इसीलिए बच्चों 17,60,000 प्लस 35,000 दैट इज 17,95,000, 17,95,000। कैलकुलेट द प्रॉफिट फॉर द ईयर बाय द एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मेथड एंड बाय द मार्जिनल कॉस्टिंग मेथड। हमने तो मार्जिनल कॉस्टिंग मेथड अभी नहीं पढ़ा, हम तो पहले बच्चों प्रैक्टिस करेंगे एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मेथड की। ओके आ जाओ बच्चों, उसके बाद इसको डिफरेंस के बारे में बताएंगे कि क्यों डिफरेंस आ रहा है। सबसे पहले बच्चों मैं क्वेश्चन नंबर 23 से इस एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की शुरुआत करने जा रहा हूँ। आ जाओ बच्चों, मूछों को थोड़ा राउंड घुमा के, स्टेटमेंट शोइंग द प्रॉफिटेबिलिटी फॉर द ईयर एंडेड 30th June अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मेथड। हमारी क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड है 160,000, हमारी क्वांटिटी सोल्ड है 150,000, सेल्स वैल्यू 150,000 20 रुपए के हिसाब से 30,00,000 इंडियन डॉलर्स। वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 160,000 इंटू 11 प्लस 35,000 द टोटल इज 17,95,000। और इस 17,95,000 में बच्चों फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स एब्जॉर्ब्ड जोड़ रहा हूँ। अभी क्वेश्चन को पढ़ा कि हम 360,000 यूनिट्स 360,000 रुपए के फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स को 90% ऑफ 200,000 यूनिट्स यानी 180,000 यूनिट्स के ऊपर एब्जॉर्ब कराएंगे। तो हर यूनिट के ऊपर बच्चों 2 रुपए का बर्डन डालेंगे हम, और 2 रुपए का बर्डन 160,000 यूनिट्स के ऊपर एब्जॉर्ब कराएंगे तो 320,000 रुपए एब्जॉर्ब हो पाएंगे। आप समझ सकते हैं 360,000 का खर्चा हुआ, लेकिन स्टेटमेंट के अंदर 320,000 लिखा, इसका मतलब 40,000 रुपए का अंडर एब्जॉर्प्शन हो गया। क्या हो गया? अंडर एब्जॉर्प्शन। और इसीलिए बच्चों लास्ट में जाकर वो अंडर एब्जॉर्प्शन एडजस्ट किया जाएगा। इसके बाद ग्रॉस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गया 21,15,000। इसके अंदर ओपनिंग फिनिश स्टॉक जोड़ रहा हूं। ओपनिंग फिनिश स्टॉक कैसे आएगा? 10,000 यूनिट्स मैंने आपको बताया, इसका वर्किंग नोट मैं बाद में बनाऊंगा। इसमें बच्चों 11 रुपए वेरिएबल है, 2 रुपए फिक्स्ड एब्जॉर्प्शन है, इसीलिए 13 रुपए के हिसाब से 10,000 यूनिट्स की वैल्यूएशन हुई है। मैंने आपसे क्या कहा, अगर आपका स्टैंडर्ड वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट का अमाउंट 11 रुपए पर यूनिट है, तो इसका मतलब यह है कि पिछली बार लगा था और इस बार वो एक्चुअल, पिछली बार का एक्चुअल इस बार स्टैंडर्ड बन गया है, राइट? और इसके अंदर बच्चों कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल आ गया, और इसमें क्लोजिंग फिनिश्ड स्टॉक को माइनस किया जा रहा है। और वो क्लोजिंग फिनिश्ड स्टॉक क्या है? 21,15,000, क्योंकि फीफो लगा रही, ग्रॉस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अपॉन क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द ईयर इनटू 20,000 यूनिट्स। और ऐसा करने पर बच्चों आपको क्लोजिंग फिनिश स्टॉक की वैल्यू मिलेगी, जिसके अंदर वेरिएबल भी है और फिक्स्ड भी है,
इस बार का क्लोजिंग अगली बार बनेगा ओपनिंग, अगली बार बनेगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का हिस्सा। इस बार ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को कम कर रहा है, अगली बार ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को बढ़ा देगा। और बच्चों ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और सेल्स के बीच में जो डिफरेंस है, भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन ग्रॉस प्रॉफिट निकाल ली, और ग्रॉस प्रॉफिट में से बच्चों मुझे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस वेरिएबल सेलिंग ओवरहेड्स 3 रुपए पर यूनिट क्वेश्चन में लिखा था, 150,000 यूनिट्स बेची हैं, तो 3 रुपए 150,000 यूनिट्स के ऊपर 4.5 लाख रुपए का बर्डन है। इसी तरह से फिक्स्ड सेलिंग ओवरहेड्स हैं 2,70,000 रुपए, और जब मैं ये दोनों माइनस करूंगा तो मुझे नेट प्रॉफिट मिलेगा बिफोर एडजस्टमेंट, और मैं बच्चों इसमें से अंडर एब्जॉर्ब्ड फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड्स लेस कर रहा हूं, क्योंकि मैंने अभी आपसे क्या कहा कि अगर मैंने कॉस्ट कम लिखी है तो मैंने अपने प्रॉफिट को बढ़ा दिया था, इसीलिए कम करने का टाइम आ गया। अगर मैंने ओवर एब्जॉर्प्शन किया होता तो मैंने कॉस्ट को बढ़ा दिया होता, और कॉस्ट को बढ़ा दिया होता तो अब कम करने का टाइम आ गया है। प्रॉफिट को बढ़ा दी, प्रॉफिट को कम कर दिया होगा, फिर प्रॉफिट को बढ़ा देंगे। अब जो कई बुक्स के अंदर ना ये प्रॉफिट में से एडजस्ट होता है, कई जगह पर ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अंदर प्लस माइनस कर देते हैं, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। अल्टीमेटली अगर कॉस्ट में प्लस करूंगा या प्रॉफिट में से माइनस करूंगा, मींस वन एंड द सेम थिंग। हां जी बच्चों, क्या ये एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का अंदाज समझ आ गया? अगर कोई डाउट है तो जल्दी से पूछ लो, फिर एक दो वर्किंग नोट के भी मैं आपको दर्शन करवाता हूं। हाँ जी पूर्वी, क्लियर हो गया बच्चे? अब चलो जी, बहुत अच्छी बात है, आप लोग रिस्पॉन्स दे रहे हो। चलो बस अब मैंने ये प्री डिटर्मिंड एब्जॉर्प्शन रेट निकालने के लिए क्या किया, मैंने बच्चों बस्टेड फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स को बस्टेड आउटपुट से डिवाइड कर दिया। 360,000 को 90% ऑफ 2 लाख, 1,80,000 से डिवाइड करूंगा ना तो 2 रुपए आएगा, और ओपनिंग स्टॉक की मैंने आपको बता दिया था वैसे तो, लेकिन फिर भी एक वर्किंग आपके लिए जरूरी है, एग्जामिनेशन हॉल में भी शो करना। क्वांटिटी सोल्ड प्लस क्लोजिंग क्वांटिटी, टोटल अवेलेबल क्वांटिटी 1,70,000, जिसमें से 1,60,000 है प्रोडक्शन, तो बाकी 10,000 यूनिट्स थी पुरानी। इसी तरह से बच्चों मुझे अंडर एब्जॉर्प्शन या ओवर एब्जॉर्प्शन ढूंढना है। मेरा एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स का बर्डन है 1,60,000 यूनिट्स के ऊपर 2 रुपए के हिसाब से 3,20,000, और मेरे खर्च हुए हैं 3,60,000। क्वेश्चन अगर साइलेंट है ना तो आपके बस्टेड फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स और एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स सेम है, लेकिन कई बार क्वेश्चन मेंशन कर देगा तो फिर आपको अलग भी लेने पड़ेंगे। तो जो ओवरहेड्स एब्जॉर्ब्ड कम है इसीलिए अंडर एब्जॉर्प्शन है, राइट? तो ये था बच्चों हमारा एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के ऊपर बेस्ड एक प्यारा सा क्वेश्चन। लेकिन बच्चों इससे भी एक और प्यारा क्वेश्चन है, और वो है क्वेश्चन नंबर 25। आओ बच्चों क्वेश्चन नंबर 25 को देखो एक बार फिर से। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, फिर मैं इसमें मार्जिनल कॉस्टिंग फिट करवाऊंगा। आओ बच्चों क्वेश्चन नंबर 25 ये रहा, ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को, शरारती क्वेश्चन है और इसमें शरारत और बढ़ सकती है अगर मैं इसमें एक और चीज डाल दूं तो। A manufacturer of glass bottles has been affected by competition from plastic bottles and is currently operating at between 65% and 70% of the maximum capacity. कहते 65% और 70% कैपेसिटी के बीच में ही अभी ऑपरेट कर पा रहे हैं, क्योंकि बच्चों इनको प्लास्टिक बॉटल से बहुत कंपटीशन फेस करना पड़ रहा है। और आपको पता भी है आजकल, आजकल बच्चों ज़्यादातर लिक्विड प्रोडक्ट्स जो हैं वो बच्चों प्लास्टिक बॉटल में ही सप्लाई किए जाते हैं, ठीक है ना? जैसे आप कोई भी मेडिसिन वगैरह लेते हो, जो बच्चों पहले सिरप, कफ सिरप वगैरह कोई भी, जो सिरप पहले बच्चों ग्लास बॉटल में मिलती थी, अब वो प्लास्टिक बॉटल में मिलती है, क्योंकि प्लास्टिक बॉटल सस्ती है, राइट?
फ्रॉम द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स द फॉलोइंग फिगर्स वर एक्सट्रैक्टेड. स्टैंडर्ड कॉस्ट पर ग्रॉस, पर यूनिट नहीं, एंड ग्रॉस इज 12 डजन. ग्रॉस इज 12 डजन एंड अ डजन कंसिस्ट ऑफ 12 यूनिट्स. इसीलिए बच्चों यहां पर लिखा है अ ग्रॉस इज 144 बॉटल्स एंड इज द कॉस्ट यूनिट यूज विद इन द बिजनेस. मतलब हम ग्रॉस में डील करते हैं, हम इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स में डील नहीं करते. जैसे बच्चों हम तो एक प्लास्टिक की बॉटल लेकर आएंगे, दो लेकर आएंगे, दस ले आएंगे, लेकिन बच्चों जो बेचने वाला है ना वो तो इकट्ठे मंगवाता है कि मुझे आप 10 ग्रॉस भेज दो. यानी 144 ग्रॉस, 144 बॉटल्स हैं, 10 ग्रॉस भेज दो. उसने तो 1440 बॉटल इकट्ठी मंगवा ली. हम साल में एक बॉटल 10 बॉटल ले लेंगे, वो बच्चों पता नहीं साल में कितनी बार ग्रॉस क्वांटिटी मंगवाता है. अब इस पे डायरेक्ट मटेरियल है 8 रुपए, डायरेक्ट लेबर 7 रुपए 20 पैसे, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स 3 रुपए 36 पैसे. ध्यान से देखो, पिछले क्वेश्चन में सीधा सीधा लिखा था वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट, यहाँ पे तीन इंडिविजुअल एलिमेंट्स लिखकर टोटल वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट आ गई. फिर इसमें फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स को ऐड करना है कि फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स का एब्जॉर्प्शन रेट है. मतलब जो प्रोडक्शन ओवरहेड्स का एब्जॉर्प्शन रेट लास्ट क्वेश्चन में हमने निकाला था यहाँ गिवन है, और टोटल फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड्स वगैरह ऐड करके आ गए टोटल प्रोडक्शन स्टैंडर्ड कॉस्ट. द फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स रेट वॉज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग कंप्यूटेशन. कहते हैं ये 7 रुपए 52 पैसे का जो रेट है ये लगाया कैसे मैंने, बता रहा है. टोटल एनुअल फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स वॉज बजटेड एट 75,84,000 और 6,32,000 पर मंथ. अगर बच्चों 75,84,000 पूरे साल का है तो आप इसको 12 से डिवाइड करके देखो, ये 6,32,000 आ रहा होगा. और इसी तरह से प्रोडक्शन वॉल्यूम वॉज सेट एट 10,08,000 ग्रॉस बॉटल्स और 70% ऑफ मैक्सिमम कैपेसिटी. इसी तरह से बच्चों ये 10,08,000 ग्रॉस बॉटल्स 70% कैपेसिटी पर है. तो जब आप इससे 100% कैपेसिटी निकालोगे तो वो 14,40,000 आएगी. 70% इतनी तो 100% कितनी, वो 14,40,000 आएगी. अब बच्चों आप 75,84,000 को जरा 10,08,000 से डिवाइड करो तो आप देखोगे ये स्टार जो ऊपर चमक रहा है ये आ जाएगा 7.52. चेक इट आउट. चेक करो बच्चों, चेक करो, क्या 75,84,000 को 10,08,000 से डिवाइड करने पर 7 रुपए 52 पैसे आता है या शर्माता है. तो ये सही जवाब बच्चों ने भेज दिया है, आता है सर. अब देखो आगे क्या लिखता है. कहता देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस. लेकिन बच्चों जो 7 रुपए 52 पैसे का रेट है ना, देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस इन बजटेड फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स एट डिफरेंट लेवल्स ऑपरेटिंग. हमारी एक्टिविटी लेवल परसेंट ऑफ मैक्सिमम कैपेसिटी 50-75% है 6,32,000. 50-70% कैपेसिटी पर अगर काम करोगे ना तो आपके 6,32,000 पे लगेंगे. और वैसे भी उसने आपको बताया था कि मैं 60-70% कैपेसिटी पर काम कर रहा हूं, इसीलिए 7 रुपए 52 पैसे वॉज द एब्जॉर्प्शन रेट. लेकिन अगर ये कैपेसिटी 76-90% तक पहुंच जाए तो ये रेट खर्चा 6,48,000 हो जाएगा. अगर ये 91-100% हो गया तो ये खर्चा 6,56,000 हो जाएगा. अब जो दो अलग अलग महीने हैं, सितंबर चल रहा है, अक्टूबर अगला महीना है. ग्रॉस सोल्ड, क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड और सेलिंग प्राइस पर ग्रॉस दोनों जगह सेम. फिक्स्ड सेलिंग कॉस्ट सेम, फिक्स्ड एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट सेम. देयर वर नो फिनिश्ड गुड्स इन स्टॉक एट फर्स्ट ऑफ सितंबर. अंडरलाइन, हमारे पास बच्चों सितंबर के मंथ में ओपनिंग स्टॉक नहीं है, लेकिन क्लोजिंग स्टॉक तो है. तो इस बार का क्लोजिंग अगली बार क्या बनेगा, ओपनिंग देखा जाए. 1,15,000 ग्रॉस प्रोड्यूस करके अगर आप 87,000 ग्रॉस बेच पाए तो बच्चों आपके पास 28,000 ग्रॉस का क्लोजिंग स्टॉक बच गया. इस बार का क्लोजिंग स्टॉक
अगली बार ओपनिंग स्टॉक बनेगा, अगली बार ओपनिंग स्टॉक बनेगा उसमें बच्चों आपने 78,000 बनाए हैं, 28,000 पुराने पड़े हैं, 78 आपने बनाए हैं, टोटल हो गए 1,06,000। 1,06,000 में से 1,01,000 अगर आपने बेच दिया, 5,000 बच गया। कितना बच गया? 5,000। तो यहां पर आ गया, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ मंथली प्रॉफिट स्टेटमेंट फॉर द मंथ ऑफ सितंबर एंड अक्टूबर यूजिंग एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग एंड मार्जिन कॉस्टिंग। जो ऐसा लिखा हुआ हो सकता है कि वैसे तो इस क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा ना कि जितने ओवरहेड्स हमने सोचे थे उतने ही लगे हैं। देखो, यू मे अज्यूम दैट एक्चुअल फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स इनकर्ड वाज एज बजटेड। लेकिन अगर यहां पे ऐसा लिखा हुआ होता कि यू मे अज्यूम दैट एक्चुअल फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स इनकर्ड वाज 10% ओवर एंड अबव बजटेड, तो आपके बजटेड का 10% ऐड हो जाता, बजटेड का 10% ऐड हो जाता, तो इसका मतलब आपका एक्चुअल बदल जाता। और हम जो कंपैरिजन करते हैं वो एक्चुअल का एब्जॉर्ब से करते हैं, वो बजटेड का एब्जॉर्ब से नहीं करते हैं। बजटेड से तो एब्जॉर्प्शन रेट निकलता है, लेकिन कंपैरिजन एक्चुअल का एब्जॉर्ब से होना है। तो जो ये चीज आपको किसी क्वेश्चन में मिल सकती है, आओ वत्स क्वेश्चन नंबर 25 के सॉल्यूशन की ओर चलें। ये देखो, हमारी प्रोडक्शन पहले महीने 1,15,000, दूसरे महीने 78,000, क्वांटिटी सोल्ड पहले महीने 87, दूसरे महीने 1,01,000। हमारी सेल्स वैल्यू दोनों बार 32 रुपए के हिसाब से, 32 रुपए को क्वांटिटी सोल्ड से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 27,84,000 आएगा, ये 32,32,000 आएगा। Now, मैंने बच्चों सीधा सीधा उठाया है वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। आप चाहे तो इसको तीन पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स। लेकिन इसमें तीनों का टोटल करके मैंने सीधा उठा लिया 18 रुपए 56 पैसे पर ग्रॉस प्रोड्यूस्ड। और बच्चों इसको क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड से मैंने मल्टीप्लाई किया है, इसमें मैंने फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड एब्जॉर्प्शन एब्जॉर्ब्ड एड कर दिए। और वो एब्जॉर्प्शन रेट मेरे पास था 7.52 पर ग्रॉस प्रोड्यूस्ड, एंड 7.52 वाज द स्टार। ये स्टार बच्चों यहां पर यूज हो रहा है और बाद में हम इसमें ढूंढ पाएंगे अंडर एब्जॉर्प्शन या ओवर एब्जॉर्प्शन। वैसे देखा जाए तो अगर बच्चों 10,08,000, ध्यान से सुनना, अगर 10,08,000 पूरे साल का है तो एक महीने का कितना, ये बनती है 84,000। अब जिस महीने भी आप 84,000 से ज्यादा बनाओगे ना, वहां पे बच्चों आएगा ओवर एब्जॉर्प्शन, और जिस महीने आप 84,000 से कम बनाओगे वहां पर आएगा अंडर एब्जॉर्प्शन। समझ आया? और ध्यान से ऑब्जर्व करो तो बच्चों पहले महीने 1,15,000 बनाया है, इसका मतलब ओवर एब्जॉर्प्शन होगा। दूसरे महीने 78,000 बनाया है, 84 से कम है, अंडर एब्जॉर्प्शन होगा। ये अंडर या ओवर एब्जॉर्प्शन हम बाद में वर्किंग लोड के थ्रू कैलकुलेट करेंगे। कैसे करेंगे यहां पर देखेंगे अभी। अब बच्चों मेरे पास वेरिएबल और फिक्स्ड ओवरहेड्स को ऐड करके आ गया ग्रॉस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कोइंसिडेंस, दोनों में 26 रुपए 8 पैसे। अब ये 26 रुपए 8 पैसे मेरी हेल्प करेगा जब मैं क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन करूंगा ना, तो पहले महीने मैं 28,000 को 26 रुपए 8 पैसे से मल्टीप्लाई कर दूंगा, दूसरे महीने 5,000 को 26 रुपए 8 पैसे से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू आ जाएगी, राइट? बच्चों ग्रॉस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ओपनिंग फिनिश स्टॉक जोड़ दिया, क्लोजिंग फिनिश स्टॉक माइनस कर दिया, तो पहले महीने ये रहा, अगले महीने ओपनिंग बन गया। हाँ जी बच्चों, समझ आ रहा है? ये क्वेश्चन अगर पेपर में आ गया ना, सच बता रहा हूं, कईयों का लेवल हिल जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन इसके अंदर मेन कॉन्सेप्ट जो है वो वही वाला है, अंडर एब्जॉर्प्शन और ओवर एब्जॉर्प्शन वाला।
अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मिल गई। एक बार फिर से बच्चों, हमने सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को माइनस कर दिया तो ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। ग्रॉस प्रॉफिट में से इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो दोनों मंथ्स में सेम है, ये भी बदल सकते हैं, फिक्स्ड सेलिंग फिक्स्ड एडमिनिस्ट्रेशन, तो नेट प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट आ गया। मैंने अभी आपसे क्या कहा था कि पहले महीने ओवर एब्जॉर्प्शन हुआ है क्योंकि आपकी एक्चुअल प्रोडक्शन आपकी बजटेड प्रोडक्शन से ज्यादा हुई है, लेकिन सेकेंड मंथ में अंडर एब्जॉर्प्शन हुआ है क्योंकि आपकी एक्चुअल प्रोडक्शन बजटेड प्रोडक्शन से कम हुई है। इसीलिए बच्चों ओवर एब्जॉर्ब्ड फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स प्लस कर रहा हूँ और अंडर एब्जॉर्ब्ड फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स माइनस कर रहा हूँ, लेकिन ये कोई काल्पनिक अमाउंट नहीं है, इसका वर्किंग नोट इम्पॉर्टेंट है, और ये है बच्चों नेट प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट। क्लोजिंग फिनिश स्टॉक वही तरीका है, ग्रॉस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अपॉन क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड इनटू क्लोजिंग क्वांटिटी, और या फिर सीधा सीधा 26.08 रुपए पर ग्रॉस, ये आपकी मंथली बेसिस पर कॉस्ट पर ग्रॉस है, चाहे सितंबर हो चाहे अक्टूबर हो, दोनों में बच्चों मटेरियल का रेट सेम था, दोनों में लेबर का रेट सेम था, दोनों में प्रोडक्शन ओवरहेड्स का रेट सेम था, इसी वजह से आपकी जो 26.08 रुपए है ना, ये दोनों मंथ्स में सेम आई है। पहले महीने 28,000 ग्रॉस की क्वांटिटी बची हुई है, अगले महीने 5,000 ग्रॉस की क्वांटिटी बची हुई है। हाँ जी बच्चों समझ आ गया, एक मिनट होल्ड करो। हाँ जी बच्चों, इसके आगे जो हमारा मार्जिन कॉस्टिंग का सेक्शन है ना, वो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो बाय बाय टू ऑल ऑफ यू, टेक केयर।